हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दी इन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री MHI 09 का ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने कुछ टॉपिक्स छांटे हैं आपके बुक में से। ऑलमोस्ट अगर आप बुक की थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन लें तो आपका MHI 09, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा मतलब इंडियन हिस्ट्री के ऊपर में बेस बुक है, इजी बुक है, समझ में आता है, जल्दी से कवर हो सकता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैं लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन को मैंने समझाया था, ठीक है, कि लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में कौन कौन से क्वेश्चन थे, उसके ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ ऑलमोस्ट कवर किया था, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को लाने का मेन मोटिव ये है कि बहुत सारे बच्चों जो इनका सिलेबस क्लियर नहीं हो पाया, पढ़ नहीं पाए, पूरा टाइम नहीं दे पाए पढ़ने के लिए, तो अगर वो इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 15 टॉपिक पूरे बुक में से छांटे हैं और हर एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझते हो तो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि आपका सिलेबस 90% ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। ये टॉपिक क्या है तो आपके सामने आपके स्क्रीन पे सारे टॉपिक हैं और वन बाई वन एक एक टॉपिक को हम लेंगे, उसको समझेंगे, उसको मैं ट्राई करूँगा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। एक रिक्वेस्ट आप सभी से ये होने वाली है कि आप अपना नोटबुक लेकर बैठें, क्योंकि अगर आप नोटबुक लेकर बैठते हो तो जो भी मैं बोलूँगा आप उसको नोट डाउन कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर ये वीडियो ओरल बेस होगा, लेक्चर बेस होगा, तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आता है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का 10 तारीख का एग्जाम है और 12 तारीख का एग्जाम है, डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है, चाहे व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, जो भी आप यूज़ करते हो सभी का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। व्हाट्सएप पर भी आप डायरेक्टली अपना क्वेश्चन डालकर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगा जिससे आपको वहाँ पर समझ में आए। चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है आर्थिक राष्ट्रवाद, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये जो मैंने लास्ट वीडियो डाला बनाया था जो 5 ईयर्स क्वेश्चंस के, तो उसके अंदर में भी ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो देख रखा है तो आपको वहाँ से पहले से आपको आइडिया मिल गया होगा, यहाँ पर देखोगे एक बार तो और आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, बस उसमें थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे थोड़ा 15 टॉपिक लिमिटेड टॉपिक के साथ ही हम इस वीडियो को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद। देखो, अगर मैं आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करूँ तो सबसे पहले आता है कि भैया आर्थिक राष्ट्रवाद होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है ना कि डेफिनेशन क्या है भैया, तो डेफिनेशन क्या होता है कि जब वह अपने आर्थिक तंत्र, श्रम शक्ति और पूंजी निर्माण पर घरेलू नियंत्रण पर बल देता है तो आर्थिक राष्ट्रवाद कहलाता है। समझ में नहीं आया क्योंकि हमने बुक की लैंग्वेज में बात करी। अब आपको समझने वाली लैंग्वेज में बात करूं तो मान के चलो मेरा घर है, ठीक है, या मेरा देश है, वहाँ पर मैं अपनी चीज़ों पर दबाव देता हूँ, अपनी चीज़ों पर जोर देता हूँ, अपने नियंत्रण में रखता हूँ कि भैया कुछ भी होगा सबसे पहले मेरा होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या, मेरी फैक्ट्री लगेगी, मतलब घर का बंदा ही फैक्ट्री लगाएगा, ठीक है। जो किस तरह से रेगुलेट करना है सब कुछ घर का ही आदमी करेगा तो वो आर्थिक राष्ट्रवाद कहलाता है। मतलब वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। सपोज करो अभी हमारे भारत के अंदर में मेड इन इंडिया का बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, एकदम मेड इन इंडिया बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इसका मोटिव क्या है कि हम अपने घरेलू प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ठीक है। हम यहाँ पे घरेलू प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम अगर आप मार्केट में जा रहे हो हम घरेलू प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं तो वो भी एक आर्थिक राष्ट्रवाद ही है। पर आज के जिस हम समाज में रहते हैं वहाँ पे हम वैश्वीकरण देखते हैं, ठीक है, तो आर्थिक राष्ट्रवाद के अंदर में वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का विरोध किया जाता है। क्यों ग्लोबलाइजेशन का विरोध क्यों होता है, बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि क्यों होता है विरोध। तो यहाँ पे रीज़न ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर में हम ओपन मार्केट रखते हैं। ओपन मार्केट कहने का मतलब क्या, वहाँ पे हम विदेशी कंपनियों को इन्वाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ पे व्यापार करो और वो हमारे यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, ठीक है। पर आर्थिक राष्ट्रवाद के अंदर में हम अपने घरेलू चीज़ों को ही प्रमोट करते हैं, विदेशी कंपनियों को विरोध करते हैं, मतलब भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन कुछ भी कह लो उसका हम विरोध करते हैं। समझ में आर्थिक राष्ट्रवाद क्या है, आर्थिक राष्ट्रवाद के अंदर में पॉइंट में बता दे रहा हूँ आपको, तो वैश्वीकरण का विरोध होता है, ठीक है। मुक्त व्यापार के ऊपर में पाबंदी होती है, वहाँ पर मुक्त व्यापार क्या होता है, ओपन मार्केट। जैसे आप देखोगे भारत के अंदर में चाइना की भी बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर में फ़ोन बेचती है, टोयोटा जापान की कंपनी है कार बेचती है, एप्पल अमेरिका की कंपनी है वो भारत के अंदर में फ़ोन बेचती है, ठीक है। तो ऐसा करके बहुत अलग अलग जगह की कंपनियां सेल फोन, आप भी जिस वीडियो देख रहे हो ना, जिस फ़ोन में, जिस लैपटॉप में, जिस सिस्टम में, जिस टीवी पे देख रहे होगे वो भी किसी अदर कंट्री का होगा या फिर किसी और जगह का बिलोंग करता होगा। तो ये इसका कैसे है, यहाँ पर हमारे भारत में आया कैसे, तो ये ओपन मार्केट के कारण से आया। खुला व्यापार है भाई, आ जाओ। खुला व्यापार हुआ कब था, जैसे ओपन मार्केट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा टॉपिक से मैं मिसगाइड हूँ तो मैं आपको ये बताऊँ कि ओपन मार्केट का जब हमारे भारत के अंदर में आर्थिक संकट आया था, ठीक है, तो 1900
1991 में जब हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ठीक है, तो उनके द्वारा एलपीजी जैसे जो योजना लाई गई थी जिसके अंदर में भूमंडलीकरण ओपन मार्केट की नींव रखी गई थी, जहां से विदेशी कंपनियों को इनवाइट किया गया कि आओ हमारे यहां पे व्यापार करो। पहले भी आते थे पर लिमिटेड थे, बट उसके बाद 1991 के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से भूमंडलीकरण की ओर बढ़ा भारत। ठीक है, समझ में आता है थोड़ा सा ये। और जो पहले मैंने बताया था ना दोस्तों, पहले जो मैंने MHI09 का जो वीडियो मैंने बनाया था लास्ट 5 ईयर्स का, उसमें मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया था। इसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँ जिससे आप अच्छे से लिख सको, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे हर एक क्वेश्चन के अंदर में वर्ड लिमिट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने पेज भरते हो मैटर नहीं करता, कितने वर्ड के अंदर में कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके आते हो वो मैटर करेगा। और जो पूछा है ट्राई करना सिर्फ वही बताओ, फालतू एक्स्ट्रा कुछ मत बताओ। ठीक है, वर्ड लिमिट क्या है, 500 वर्ड के अंदर में ही आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे विभिन्न तरह के कर लागू किए जाते हैं, टैक्स लागू किए जाते हैं राष्ट्र आर्थिक राष्ट्रवाद के अंदर में। टैक्स लागू करने का रीज़न क्या होता है? अब देखो, कई बार क्या होता है, जैसे विदेशी कंपनियाँ हमारे भारत के अंदर में आ गई, एक एग्जाम्पल लेके चलते करंट का, टेस्ला कंपनी एलन मस्क की हैगी, आप सब ने जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है और बहुत फेमस है, ऑलमोस्ट भारत के अंदर में भी आनी चाहती थी, पर भारत सरकार ने क्या किया कि उसके प्राइस रेट पे 100% का टैक्स लगा दिया। जितने का प्राइस है उस पे 100% टैक्स पे करो, पर वो नहीं करना चाहती, जिसके कारण से भारत के अंदर में एंट्री नहीं हो पाई। तो ये टैक्स लगाया क्यों गया? जिससे हमारी भारत की जो कंपनी है ना उसको प्रमोशन मिले, वो अपना ब्रांड बेच सके। अभी टाटा कंपनी की बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, ठीक है, रीज़न क्या है कि भैया टाटा कंपनी का प्रमोट करना। अगर टेस्ला आ जाएगी तो ज़्यादातर लोग टेस्ला खरीदेंगे, ठीक है, टाटा को कौन खरीदेगा? तो भैया टाटा भी लोग खरीदें, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी वाली कंपनी को छूट देते हैं, अलग अलग तरह से टैक्स में रिड्यूस करते हैं और दूसरी कंपनी पे हम टैक्स लगाते हैं, जिससे उनको थोड़ा उनका रेट महंगा हो जाता है, उनको ना खरीद कर इधर खरीदें। ठीक है, अगर मान लो एक आप इंडियन हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाओगे, ठीक है, दो लोग हैं, मान लो एक अमेरिका से आया हुआ है और एक यूपी से आया हुआ है मान लो, या बिहार से आया हुआ है कहीं से भी। अब यूपी वाला गया या बिहार वाला गया गवर्नमेंट के पास कि सर मुझे लोन चाहिए, मुझे बिजनेस करना है, ठीक है, और अमेरिका वाला भी गया कि सर मुझे भी लोन चाहिए, मुझे भी बिजनेस करना है, दोनों इंडिया में रह रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, जो यूपी या बिहार जो भारत का रहने वाला जो भारत का वासी है उसको लोन जल्दी देगी, आसानी से देगी, ठीक है, बिना कोई गारंटी वारंटी के भी, मतलब नॉर्मल जो प्रोसेस है उसके हिसाब से दे देगी। पर अगर अमेरिका वाला गया तो उसके साथ बहुत सारे प्रोसेस होंगे, लोन सैंक्शन होगा नहीं होगा वो बात की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, मतलब क्या, गवर्नमेंट भी उसे प्रमोट करती है, कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद के अंदर में। एक आगे मैं बात करूँ आर्थिक राष्ट्रवाद के अंदर में, तो बाजार के ऊपर में पूरा घरेलू नियंत्रण होता है, राज्य का नियंत्रण होता है। यहाँ पर राज्य से मतलब सरकार से है, राष्ट्र से है, ठीक है, एक राज्य पर्टिकुलर यूपी बिहार की मैं बात नहीं कर रहा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय मतलब रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर विश्व वैश्विक स्तर पर हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर राज्य मतलब राष्ट्र को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो ये आर्थिक राष्ट्रवाद का मैंने अच्छे से आपको डेफिनेशन बताया, ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 से 8 मिनट का आपका डेफिनेशन हो जाता है, ठीक है, अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आई होप सो। इसके अंदर में मैं थोड़ा आगे और डिटेल में जाऊँ, थोड़ा सा डीपली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कुछ विचारकों का भी पूछ लिया जाता है कि आर्थिक राष्ट्रवाद का, अगर क्वेश्चन को इसको थोड़ा और बताओ बढ़ा दूँ ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन जाता है, आर्थिक राष्ट्रवाद बताइए क्या होता है, और आर्थिक राष्ट्रवाद के अंदर में विभिन्न विचारकों का क्या विवेचना था, उनका क्या लॉजिक था आर्थिक राष्ट्रवाद को लेकर, क्या मानना था वो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ विचारक के मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे फ्रेडरिक लिस्ट, ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट एक विचारक हैं जो आर्थिक राष्ट्रवाद के समर्थन में आते हैं, वो सर्वप्रथम आर्थिक राष्ट्रवाद की धारणा व्यक्त करने वाले विचारकों में से एक माने जाते हैं, साथ साथ में वो एक प्रसिद्ध आर्थिक राष्ट्रवादी माने जाते हैं, ठीक है, मतलब उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद के ऊपर में अपनी वक्तव्य रखा था ये माना जाता है। साथ साथ में अगर मैं देखूँ दोस्तों तो आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन किया फ्रेडरिक लिस्ट ने, और आर्थिक उदारवादियों की आलोचना करी, ठीक है, आलोचना करी, सॉरी, इसका कहने का मतलब ये था कि जो उदारवादी थे, आर्थिक उदारवादी आए, उन्होंने ना अलग अलग तरह से चीज़ें, मतलब पूंजीवाद को प्रमोट करने का स्टार्ट किया, ठीक है, विदेशी ओपन व्यापार को सपोर्ट किया, तो उसके कारण से फ्रेडरिक लिस्ट ने उनकी आलोचना करी, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे दूसरे विचारक को मैं लेकर चलूँ तो जर्मनी के दार्शनिक है, पत्रकार हैं जोहान, ठीक है, जोहान करके हैं, जोहान का क्या कहना है, तो जोहान कहते हैं कि राष्ट्रीय आर्थिकवाद स्वावलंबन पर बल देती है, स्वावलंबन, स्वावलंबन मतलब क्या होता है कि खुद का खुद करना, सेल्फ जो कहते हैं सेल्फ प्रिपरेशन, ठीक है, एक तरह से खुद ही सारा चीज करना, ठीक है। तो जो जर्मनिक दार्शनिक थे जोहान, उन्होंने क्या बोला कि आर्थिक राष्ट्रवाद, जैसे आर्थिक राष्ट्रवाद हो गया या फिर राष्ट्रीय आर्थिक राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं, वो स्वावलंबन पर बल देती है, स्वावलंबन मतलब स्वयं अपना चीज़ें करना, ठीक है, जैसे भारत के अंदर में अगर चीज़ें हो रही है तो हम अपने द्वारा ही बेचा जाना, खरीदा जाना, ठीक है, हम अपने लोगों को ही प्रमोट करना, ये चीज़ें करना।
साथ साथ में ये कहते हैं कि निरंकुश आर्थिक राष्ट्रवाद के ऊपर हम बोल देते हैं। निरंकुश मतलब एक ऐसा राष्ट्रवाद, ठीक है, जहाँ पे राष्ट्र को प्रथम रखकर चीज़ें करना होता है, ठीक है। मजबूत हस्तक्षेपकारी राज्य का पक्ष लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जो राज्य का एक तरह का निर्णय होता है बहुत मजबूत दिखाता है, पक्ष जो राज्य का पक्ष होता है बहुत मजबूत दिखाता है। रीज़न क्या है कि अगर राज्य कमज़ोर है तो वो फिर वो नीतियों को सही से लागू ही नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मजबूत राज्य का पक्ष दिख जाता है। दूसरा साथ साथ में यहाँ दिखाता है कि मुक्त का निर्धारण, मतलब मुख्य का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण, सॉरी, आर्थिक राष्ट्रवाद के अंदर में जो मूल्य होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो एक राज्य के द्वारा। अब यहाँ पे राज्य मैंने पीछे बताया था, राज्य मतलब राष्ट्र है, राज्य मतलब सरकार है, ठीक है, तो सरकार के द्वारा यहाँ पे मूल्य का निर्धारण किया जाता है। पर अगर मान लो आर्थिक राष्ट्रवाद हमारे राष्ट्र में नहीं है, हम वहाँ पे ओपन व्यापार पूरी तरह से कर रहे हैं, ठीक है, आर्थिक राष्ट्रवाद की कहीं जगह ही नहीं है, तो वहाँ पे मूल्य का निर्धारण कौन करेगा, तो विदेशी कंपनियाँ जो हैं कंपनियाँ वो करेंगी। बट जब हम आर्थिक राष्ट्रवाद को फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे मूल्य गवर्नमेंट के अंडर में होती है, सरकार के अंडर में होती है, राज्य के अंडर में होती है, ठीक है। विदेशी व्यापार का निषेध हो जाता है, विदेशी व्यापार पर रोक लगा दी जाती है। आर्थिक राष्ट्रवाद में मतलब मेनली हम अपने व्यापार को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, थोड़ा सा डीपली जाते हैं। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि आर्थिक राष्ट्रवाद का, भारतीय आर्थिक राष्ट्रवाद मतलब भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद किस प्रकार का, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो ये पूरा टॉपिक जो है आज के समय में नहीं है। आप ये समझ के चलो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं 100-200 साल पीछे, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है, तो भारत का आर्थिक राष्ट्रवाद आर्थिक साम्राज्यवाद को दिखाता है, ठीक है। भारत का जो आर्थिक राष्ट्रवाद है वहाँ पर राष्ट्रवाद की जगह साम्राज्यवाद है। भारत के अंदर में कौन सा आर्थिक है, तो आर्थिक साम्राज्यवाद भारत के अंदर में दिखता है। रीज़न क्या है, भारत जिस समय हम बात करें, जो टॉपिक है जिस समय का, उस समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था, ठीक है। हमारे ऊपर एक उपनिवेशिक व्यवस्था थी, ठीक है, ब्रिटेन की, ठीक, या फिर उपनिवेशिक व्यवस्था कह लो या फिर साम्राज्यवादी व्यवस्था कह लो, ठीक है। तो भारत के अंदर में जो आर्थिक विचारधारा है वो आर्थिक साम्राज्यवाद की विचारधारा है, ठीक है, जिसके अंदर में वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद का बहुत ज़्यादा जोर था, ठीक है, जिसके कारण से भारत भी ग्रो कर रहा था वहाँ पे। ब्रिटेन के अंदर में औद्योगिकरण उस समय आई हुई थी, तो बहुत सारी तकनीकी व्यवस्था भारत के अंदर में भी एंटर करती है, जिसका एग्जांपल लेके चलोगे तो डाक व्यवस्था हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गया, रेलवे हो गया, सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इसके अंदर में हम डाल सकते हैं रेलवे को, जो ब्रिटेन अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर में लाई गई, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर बात करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था उस समय। ब्रिटेन के अंदर में औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है, तकनीकी विकास हो रहा था, और साथ साथ ब्रिटेन के साथ साथ यूरोप के भी कई सारे देशों के अंदर में औद्योगिक क्रांति की लहर जोर दौड़ रखी थी, वहाँ पे भी तकनीकी विकास हो रहा था, आपस में कंपटीशन का जो लेवल था ना वो बहुत बड़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे और इन सब के इम्पैक्ट के कारण से भारत के अंदर में जो आर्थिक राष्ट्रवाद है वो आर्थिक राष्ट्रवाद ना होकर आर्थिक साम्राज्यवाद के रूप में हम देखते हैं, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये जो टॉपिक अगर आप सही से समझ रहे हो ना, तो ऑलमोस्ट मान के चलो अगर ये टॉपिक आया तो 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, सही से समझा, सही से लिखा आपने, 17-18 नंबर कहीं नहीं जा रहे होते, नॉर्मली आपको मिल जाते हैं, और पास होने के लिए सिर्फ 33 नंबर चाहिए, और नाम बनाने के लिए तो जितने लाओ उतने कम है, ठीक है। चलिए हमारा पहला टॉपिक होता है, रफ करता हूं मैं थोड़ा सा फटाफट, फिर अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगला टॉपिक के अंदर में दो क्वेश्चन है, मैंने दोनों क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया है। तो इसके अंदर में आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद पर सबाल्टर्न अध्ययन क्या होता है, और कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल, ये दो हो गए। तो मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन कई बार अलग अलग करके भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद पर सबाल्टर्न अध्ययन का क्या मानना है और कैम्ब्रिज स्कूल का क्या मानना है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो दोनों टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबाल्टर्न अध्ययन का। अब सबाल्टर्न अध्ययन की मैं बात करूँ तो सबाल्टर्न अध्ययन है क्या, तो सबाल्टर्न इतिहासकार स्टडीज़, ठीक है, नामक एक पत्रिका है, उससे जुड़े विद्वानों को हम सबाल्टर्न अध्ययन के अंदर में रखते हैं, ठीक है। सबाल्टर्न इतिहासकार स्टडीज़ नाम की एक पत्रिका है, ठीक है, मैगजीन है मान के चलते हैं, और उससे जुड़े हुए जो इतिहासकार है ना उसको हम सबाल्टर्न अध्ययन के अंदर में रखते हैं। सबसे पहले क्लियर, ये भारतीय राष्ट्रवाद के आलोचक के तौर पर देखे गए, ठीक है, और एक लोकप्रिय सशक्त राष्ट्रवाद में मौजूद था, मतलब इनका ये मानना था कि भारत के अंदर में पहले से ही राष्ट्रवाद मौजूद था जो स्वेता और लड़ाकू था, ठीक है। स्वेता मतलब क्या, स्वयं ही लड़ सकता था, ऐसे लड़ाकू राष्ट्रवाद भारत के अंदर में था। क्यों ऐसा कहने का रीज़न क्या है, तो भारत के अंदर में कई सारे हिंसक गतिविधियां राष्ट्रवाद के अंदर में देखने के लिए मिलती हैं। आज भी आप देखोगे भारतीय राष्ट्रवाद को प्रमोट करने में कई बार न्यूज़ में आ जाता है, शायद आई होप सो फेक भी हो, बट यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं कोट करना चाहूँगा, मेरा कोई मोटिव यहाँ पे गलत नहीं है। जैसे कई बार देखोगे, कई बार वंदे मातरम या फिर जय श्री राम या जो भी अलग अलग तरह के नारे जनगणमन बोलने के लिए फोर्स किया जाता है,
ठीक है, कि आप ये बोलो, बहुत सारे लोग डिनाई कर रहे होते कि मैं ये नहीं बोलूंगा, तो वहाँ पे क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद अहिंसक यहाँ पे दिखने के लिए रूप में दिखता है। बट नॉर्मली यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अगर आप देश के अंदर में रह रहे हो, राष्ट्र आपके, राष्ट्र के प्रति आपका सम्मान है, देश के प्रति सम्मान है, तो खुद ही मन से निकलना चाहिए कि ये है, ठीक है। कहीं पे आपका राष्ट्रीय गान बन रहा है, बज रहा है, देख रहे हो आप, सुन रहे हो, तो अपने आप ही उसके रिस्पेक्ट में खड़ा होना बनता है, ठीक है। रिस्पेक्ट यार हमें घर से ही मिलती है, हम हमारे पापा अगर मान लो खड़े हैं, हम बैठे हुए हैं, तो हम खुद ही सोचते हैं कि यार नहीं, बड़े को बैठने दो, हम खुद खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट घर से सीखते हैं और घर से ही हमें राष्ट्र तक सीख सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पेक्ट हमारे दिल से निकलना चाहिए, ऐसे जबरदस्ती हम किसी से करवा नहीं सकते। तो ये सबाल्टर्न अध्ययन के अंदर में क्या माना जाता है कि एक लोकप्रिय सशक्त राष्ट्रवाद पहले से ही मौजूद था, ठीक है, जो स्वेता और लड़ाकू था, ये मान के चलते हैं भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर सबाल्टर्न अध्ययन का मानना था, ठीक है, समझ में आता है। अब यहां पर जब हम सबाल्टर्न अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो सबाल्टर्न अध्ययन को जो मेन विचारक के तौर पे मैं देखता हूं, जो यहां पे पढ़ोगे आप, तो यहां पे रंजीत गुहा करके विचारक आते हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है सबाल्टर्न अध्ययन के अंदर में, ठीक है। रंजीत गुहा, इस तरह से इनका नाम हो गया। रंजीत गुहा की अगर मैं बात करूं, तो रंजीत गुहा क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद पर कुलीनता का दबाव था। अब देखो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप ना थोड़ा ध्यान से सुने चीज़ें, क्योंकि एक बार अगर लिखने मतलब छूटे ना चीज़ें, कुछ समझ में आए आपको, ठीक है, उसके कारण से आप थोड़ा टाइम लगाएं, थोड़ा ध्यान से सुने ज़्यादा बेटर है। वीडियो आई होप सो मुझे लगता है बहुत बड़ी बनने वाली है, बट थोड़ा सा अगर मैं जल्दीबाजी करूँगा, वीडियो थोड़ा शॉर्ट करूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगा, ठीक है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने, पूरा देखें वीडियो, जिससे आपको समझ में आए, और प्रीशियस ये टाइम आपके लिए ना, क्योंकि मैं खुद पता है 10 तारीख और 12 तारीख को एग्जाम है, तो बहुत प्रीशियस है आपके लिए टाइम, उसको पूरा यूज़ करें। रंजीत गुहा की मैं बात करूँ तो सबाल्टर्न अध्ययन इतिहासकार के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट विचारक के तौर पर रंजीत गुहा दिखते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद पर कुलीनता का दबाव था। अब यहाँ पे कुलीनता का मतलब क्या होता है, कुलीनता का मतलब क्या कि अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर सिर्फ उच्च वर्ग का ही हिस्ट्री हमें पढ़ने के लिए मिलता है, वहाँ पर कभी मजदूर वर्ग की हिस्ट्री नहीं है, किसानों की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर जो निम्न वर्ग है वो गायब है हिस्ट्री में से, वहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ग का दबदबा है, वो कुलीन वर्ग का दबदबा है, ठीक है, जो रंजीत गुहा वहाँ पे बोलते हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। साथ साथ में यहाँ पे रंजीत गुहा कहते हैं कि भारतीय इतिहास में जनता आर्थिक निम्न और निम्न वर्ग की अनुपस्थिति एब्सेंट है। मतलब जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो ना, कोई भी आपके पास हिस्ट्री की बुक हो वो उठा लो, आपके घर में अगर आप MA हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मैं मान के चलता हूँ 5-7 तो कई सारी बुक्स पढ़ी होंगी हिस्ट्री की, कोई भी बुक उठा लो, उसके अंदर में ना जो निम्न वर्ग है, ठीक है, निम्न वर्ग है वो हिस्ट्री में से क्या है, एब्सेंट है, हिस्ट्री में है ही नहीं, वो एब्सेंट है, छुट्टी पे है, ये रंजीत गुहा का मानना था। वो मान के चलते हैं जितने भी इतिहासकार हुए उसकी आलोचना करते हैं। रीज़न क्या है दोस्तों, हम गलत पढ़ रहे हैं ये दिक्कत नहीं है, हमें गलत पढ़ाया जा रहा है वो दिक्कत है, ठीक है, ये और हमें पता भी नहीं है उन चीज़ों के बारे में, तो बात ही अलग है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं और इसके कारण क्या है ना, वो किसी और वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि क्यों हम गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, इसका पीछे कारण है, बहुत बड़ा गेम है, ठीक है। तो कभी और अनदर वीडियो लेकर आऊँगा तो मैं उसमें आपको थोड़ा समझाऊंगा डिटेल में, जानना जरूरी है, ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हो। तो रंजीत गुहा ये कहते हैं कि भाई भारतीय इतिहास के अंदर में कुलीन वर्ग का दबदबा है, निम्न वर्ग एब्सेंट है, और जो भी अलग अलग इतिहासकार हुए उनकी वो आलोचना करते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो वहां पे तीन तरह की प्रकृति के बारे में बात करते हैं कि जो नेचर है इतिहास का, भारतीय राष्ट्रवाद इतिहास का, इतिहास लेखन का, वो तीन तरह का है। तीन तरह का कौन कौन सा, तो पहले वो कहते हैं औपनिवेशिक प्रकृति के तौर पे, पहला बोलते हैं पहला, ठीक है, औपनिवेशिक प्रकृति। अब औपनिवेशिक प्रकृति भारतीय इतिहास लेखन का क्या है, उसके अंदर में नॉर्मली अगर मैं इसको दूसरे डिफाइन में लैंग्वेज में बताऊं तो औपनिवेशिक प्रकृति मतलब क्या होता है, औपनिवेशिक शासक द्वारा अज्ञानी जनता को ज्ञान प्रदान करना। सपोज करो आपके घर पे मैं गया, मैंने आपके घर पे कब्जा कर लिया, ठीक है, अब वो घर हो गया मेरा, आप मेरे घर के अंदर में गुलाम की तरह रह रहे हो। ब्रिटेन ने भी तो यही किया ना, हमारे घर में आया, हमारे भारत में आया और हमें ही गुलाम बना लिया हमारे घर के अंदर में आकर, ठीक है, और उसके बाद हमें ही ज्ञान प्रदान कर रहा है। मतलब एक शासक, औपनिवेशिक शासक द्वारा अज्ञानी जनता, अज्ञानी जनता क्यों, क्योंकि आपने उसे अपने घर में बुलाकर अपने आप को ही गुलाम बनवा लिया, ठीक है, तो अज्ञानी जनता को ज्ञान देना। उसने हमें ज्ञान कैसे दिया, ब्रिटेन ने हमारे लिए स्कूल्स खोले, कॉलेज खोले, ठीक है, हमारे लिए नौकरी दी उन्होंने, ठीक है, और हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया और खुशी खुशी वहाँ पे नौकरी करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है रंजीत गुहा के द्वारा कि औपनिवेशिक प्रकृति के अंदर में क्या हुआ, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा, शासक के द्वारा अज्ञानी जनता को ज्ञान प्रदान करना। तो ब्रिटेन हमारे यहाँ पे आया, ठीक है, उसने हमारे जो गुरुकुल होते थे पहले के टाइम पे, गुरुकुल जैसे चीज़ें चलती थी, ठीक है, पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते थे और अलग उसका महत्व होता था, उन सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय था, उन सबको, सबको तहस नहस कर दिया गया,
जब अंग्रेज जाने लगे तो उनको पूरा एकदम आग लगा दिया गया, सारी किताबें चोरी करके ले गए वो, ठीक है। तो मतलब उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से उसको रेगुलेट किया, उसको बंद किया, क्योंकि उनको लगा कि अगर ये पढ़ेंगे ना, अगर ये पढ़ लिए तो फिर तो हमें राज करने से देने से रहे। उन्होंने अपने हिसाब से जो उनके लिए सुटेबल था उसके हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम को बनाया, ठीक है, जो उनके लिए फ़ायदेमंद था। उन्होंने अंग्रेजी विषय को डाला, ठीक है। रीज़न क्या था, अगर मान लो एक अंग्रेज को किसी एक वर्कर की ज़रूरत है तो उसको अंग्रेजी वाला बोलने वाला ही बंदा चाहिए ना, तो वो अगर वो ब्रिटेन से लेकर आएगा एक वर्कर, तो ब्रिटेन से लाने ले जाने और उसका किराया, उसका तनख्वाह बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उसने सोचा इतना क्यों मेहनत करना यार, इंग्लिश ही तो सिखाना है, यहीं पर किसी को पकड़ो मूर्ख को, वहाँ पे इंग्लिश सिखा दो, फिर वो इंग्लिश में ही हमारा काम करेगा, ठीक है। तो ब्रिटेन ने यही किया और बहुत सक्सेसफुल रहा और आज भी चल रहा है, ठीक है। आज भी हम हिंदी बोलने से ज़्यादा इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर आपके चार दोस्त हैं, चार में से एक हिंदी बोलता है और तीन इंग्लिश बोलते हैं, तो आप इंग्लिश वालों के साथ में रहना पसंद करोगे, हिंदी वालों के साथ में नहीं। आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि यार वो तो हिंदी बोलता है, इसको छोड़ो, इंग्लिश वाले के साथ में जा। तो ये चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे आप देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा प्रकृति की अगर मैं बात करूँ आगे, तो यहाँ पे दूसरा प्रकृति हो जाता है राष्ट्रवादी प्रकृति। राष्ट्रवादी प्रकृति के अंदर में क्या होता है कि प्रतिरोध के सभी कार्य को राष्ट्र राज्य के अंग मानना, जैसे मतलब वो क्या होता है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं जिसके अंदर में हम कह रहे हैं कि भाई इसको मारना है पीटना है, प्रतिरोध मतलब किसी का विरोध वाले जो कार्य थे ना, वो सारे राष्ट्रवादी प्रकृति के अंदर में मान के चलते हैं, रंजीत गुहा। तीसरा यहाँ पर जो हमारा आता है वो मार्क्सवादी प्रकृति है। मार्क्सवादी प्रकृति के अंदर में ये बोला गया कि जनता के संघर्ष को, क्रांति को समाजवादी राज्य के रूप में और उनकी प्रकृति के रूप में देखना, ठीक है। अब ये मार्क्सवादियों ने क्या किया कि भैया जो भी कष्ट हो रहा है उपनिवेशवाद के कारण से, जो भी कष्ट हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, किसको हो रहा है, जनता को हो रहा है, सरकार को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना कोई भी। जैसे अब एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चले, तो गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले किसान बिल लेकर आया, फार्म बिल लेकर आया, ठीक है। उस बिल से किसको फायदा होगा, किसानों को, नुकसान किसको होगा, किसानों को। कुछ भी होना, फायदा होना, नुकसान होना, कुछ भी होना, किसको होना है, किसानों को होना है। पर बिल बनाने वाले लोग कौन थे, सरकार के लोग थे। क्या वो किसान थे, बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्हें खेतीबाड़ी के बारे में नॉलेज था, बिल्कुल भी नहीं। कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं, बस उन्होंने लॉ बना दिया। तो ये एक रीज़न यहाँ पे ये देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मार्क्सवादी क्या कहते हैं कि जनता के संघर्ष को, क्रांति को, ठीक है, समाजवादी राज्य और प्रकृति के रूप में देखना या फिर दिखाना, दर्शाना, ठीक है, ये करना यहाँ पे। और ये तीनों प्रकृति क्या है, रंजीत गुहा ने कई सारे इतिहासकारों की आलोचना करी, तो यहाँ पे तीनों प्रकृति के बारे में बताते हैं कि किस किस की आलोचना करी। तो जो औपनिवेशिक इतिहासकार है प्रकृति वाले, उनके भी बारे में बताया उन्होंने, राष्ट्रवादी के बारे में भी बताया और मार्क्सवादियों के बारे में भी बताया। और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में सबाल्टर्न अध्ययन हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर में कहने का मतलब क्या है कि बाकी से अलग हटकर दिखाना कि ये चीज़ रियलिटी ऐसी है, ठीक है, समझ में आता है। अब यहाँ पे एक दूसरा टॉपिक आ जाता है कैम्ब्रिज स्कूल का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप ये मान के चलो, क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है, भारतीय राष्ट्रवाद पर सबाल्टर्न अध्ययन क्या है वो बताइए, या फिर क्वेश्चन यही बन जाएगा कि भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल की क्या है, ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल की क्या विचारधारा विवेचना है वो बताइए, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। अब कैम्ब्रिज स्कूल है क्या, तो कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है, एक मतलब मान लो कैम्ब्रिज के अंदर में एक स्कूल है, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उसके अंदर में जो इतिहासकारों का समूह था, उसके जो उनके द्वारा जो विचार द्वारा व्यक्त की गई, वो कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से प्रचलित हुई। उन्होंने उपनिवेशवादी लेखन थे उनके अंदर में समानता ढूंढी, उपनिवेशवादी लेखन जो थे, लेखक थे, उनके अंदर में वो समानता लेकर चलते हैं। राष्ट्रवादी तथा मार्क्सवादी दृष्टिकोण के विपरीत उनकी विचारधारा थी। उपनिवेशिक सत्ता की स्थापना आंतरिक कमजोरी के कारण हुई, ये वो मानते थे। जैसे उपनिवेशिक भारत के अंदर में जो उपनिवेशवाद कायम हुआ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि हम आंतरिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, ठीक है। अगर आप बंगाल का हिस्ट्री पढ़ोगे, मीर जाफर की हिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि अंदर से हम कितने खोखले थे और हमारे जो लोग थे वो कितने बेईमान थे, और उनके कारण से हम 200 सालों तक गुलाम रहे, ठीक है। इवन दो 200 सालों तो कुछ नहीं है, तो अंग्रेज जो हम जानते हैं, अगर आप मुगलों की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि कितने सारे हमारे यहाँ पे आंतरिक कमजोरी थी, जिसके कारण से हम कई हज़ार सालों से गुलामी कर रहे हैं, ठीक है। गुलाम आज़ाद हुए ही नहीं, हम गुलाम की व्यवस्था में ही हैं, अभी भी वही कर चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो वो कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार का क्या मानना था कि औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना, रीज़न क्या है, तो आंतरिक कमजोरी के कारण से औपनिवेशिक सत्ता की स्थापना होती है, आंतरिक कमजोरी के कारण से, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार एक नया मध्यम वर्ग को उत्पन्न किया उन्होंने,
ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो था, अंग्रेजी भाषा का या फिर अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम बना, उससे क्या हुआ, एक नया वर्ग समाज के अंदर में उत्पन्न हुआ जो मध्यम वर्ग के नाम से जाना गया, जिसमें मैं और आप भी आते हैं आज के समय में। ठीक है, समझ में आता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वाला टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। तीसरा टॉपिक, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन। ठीक है, या फिर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये करके चल लो। ये है क्या, दोनों के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। टॉपिक अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, समझते हैं। देखो, भारत के अंदर में जो अंग्रेज थे, हम उनके गुलाम बने हुए थे। ठीक है, और इसी समय पे पूरे विश्व के अंदर में अंग्रेजों का दबदबा था, मतलब ब्रिटेन उपनिवेशवाद का पूरी तरह से लहर चल रहा था, जिसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग उपनिवेशवादी राज्यों के द्वारा उपनिवेश कायम किया जा रहा था, तो भारत के ऊपर में भी कायम हुआ। अब यहाँ पे दो अलग अलग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन और उपनिवेशवादी आंदोलन। खिलाफत आंदोलन मतलब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, सॉरी, अगर मैं असहयोग आंदोलन की बात करूं तो 1919 से लेकर 1922 के बीच का जो पूरा टाइम पीरियड है ना, ये इनका माना जाता है। 1919 से लेकर 1922 के बीच का खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड है दोनों का। इसके अंदर में क्या होता है, असहयोग आंदोलन होने के कारण क्या होता है, रीज़न आप अपना नोट करते जाइए, कारण क्या है इसके। तो कारण सबसे पहला आ जाता है भैया, रॉलेट एक्ट जो लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, रॉलेट एक्ट लाया गया, उसके कारण से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। दूसरा कारण क्या होता है, मार्शल लॉ लाया गया पंजाब के अंदर में, ठीक है, मार्शल लॉ, उसके कारण से होता है। तीसरा कारण क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपने 1919 पढ़ा होगा जरूर, उसके कारण से होता है। यहाँ पे अगला यहाँ पे कारण देखूँ मैं तो, हंटर लॉ लाया गया, हंटर आयोग की स्थापना की गई, ठीक है, हंटर आयोग, उसके कारण से यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। साथ साथ में मैं बात करूँ तो जो डायर की कार्रवाई थी जलियांवाले बाग को लेकर, डायर के ऊपर में न्यायालय बैठाया गया, कार्रवाई की गई, पर न्यायालय ने उसको समर्थन किया, ठीक है, उसको आज़ाद कर दिया, समर्थन किया, जिसके कारण से भी ये लोगों के अंदर में आक्रोश था। ठीक है, तो डायर की कार्रवाई के समर्थन के कारण से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, और जो लोगों के अंदर में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, आर्थिक मंदी का एक दौर शुरू हो गया था, ठीक है, उसके कारण से भी ये चीज़ें असहयोग आंदोलन की ओर बढ़ रहे थे। ठीक है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण से, और साथ साथ में क्या था, जनता जो थी असंतोषी, जनता के अंदर में ना असंतोष की भावना था, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे जनता असहयोग आंदोलन की ओर बढ़ा। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन के कारण हो गए। अगर मैं अब खिलाफत आंदोलन के कारण की बात करूँ तो खिलाफत आंदोलन के में क्या हुआ कि 1919 से पहले तुर्की के अंदर में ब्रिटेन जाते हैं, और ब्रिटेन जाने के बाद तुर्की का एक तरह से सरेंडर हो जाता है ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है, ब्रिटेन का तुर्की से गठबंधन होता है, और इस गठबंधन को लेकर भारतीय जो मुसलमान थे, इस्लामिक धर्म के मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी। और खिलाफत आंदोलन भारत के अंदर में ही तो हो रहा था, मतलब खिलाफत आंदोलन भारत के अंदर में तो हो ही रहा था, पर पूरे विश्व के अंदर में इसका असर दिख रहा था। ठीक है, मतलब दूसरे जगह से शुरुआत हुआ था, पर भारत के अंदर के जो भारत के मुसलमान थे वो भी खिलाफत आंदोलन के लिए उठे। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन, उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, खलीफाओं का सत्ता का अंत हो जाता है। ठीक है, आपको पता होगा जैसे कि चर्च के लिए क्या होता है, पॉप, ठीक है, चर्च जो होते हैं ना, चर्च, उनके लिए पॉप जो होते हैं सबसे बड़े प्रमुख पद के तौर पे देखा जाता है, सबसे ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति के तौर पे माने जाते हैं। उसी तरह मुसलमानों के अंदर में, इस्लाम धर्म के अंदर में जो खलीफा होते हैं उनको एक तरह से धर्म रक्षक के तौर पे देखते हैं। ठीक है, धर्म रक्षक के तौर पे देखते हैं। तो खलीफाओं का सत्ता का अंत हुआ, उसके कारण से भी ब्रिटेन के खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और साथ साथ धार्मिक जो स्थल था ना, वो खलीफाओं के चुंगुल से छूट गया था। पहले धार्मिक स्थल पे खलीफाओं का पकड़ होता था, ठीक है, जो मक्का मदीना और भी जिस तरह के जो उनके धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर में खलीफाओं का जो होता था अधिकार होता था। 1920-1919 के करीब के अंदर में खलीफाओं का ये अधिकार छिन जाता है, जिसके कारण से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद जो भारतीय मुसलमान था वो असंतुष्ट था, ठीक है, ब्रिटेन की नीति से असंतुष्ट था, उसके कारण से भी ये खिलाफत आंदोलन होता है। और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों मिलकर चलता है, जिसके अंदर में हम क्या देखते हैं कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकीकरण हम देखने के लिए मिलते हैं, कि दोनों एक मंच पर एक चीज़ के लिए कर रहे हैं। नाम अलग अलग है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, पर काम दोनों के अंदर में एक ही चीज़ चल रहा था। ठीक है, समझ में आता है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई डाउट, आई होप सो नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा खिलाफत आंदोलन है क्या, कब शुरू हुआ और दोनों के कारण क्या थे, ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देसी रियासतों में लोकतांत्रिकरण,
पहले सबसे पहले इस टॉपिक को समझना पड़ेगा, उससे पहले मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा। अगर कहीं पे भी दोस्तों कोई डाउट रहता है ना आपको, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा टॉपिक, बेझिझक आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स दिए हुए, किसी भी लिंक पे जाइए, जो भी आप व्हाट्सएप चलाते हो, टेलीग्राम चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, उस पर जाइए, वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कहता है देसी रियासतों के अंदर में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया। अब देखो, देसी रियासतों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये मान के चलो 1900 से लेके चल लेते हैं, ऐसे 1920 से है, 1900 से लेकर मान के चलो 1940 तक का पूरा टाइम पीरियड हम कवर करते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर में जो देसी रियासतें थे, राजवाड़े थे, उसके अंदर में लोगों के अंदर में जो फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। किस तरह से चेंज होने लगी, वो लोकतांत्रिकरण की ओर बढ़ने लगे, वो धीरे धीरे मांग करने लगे, और धीरे धीरे मांग बढ़ती चली गई, और लोकतांत्रिकरण मतलब क्या, लोकतंत्र की मांग करने लगे। ठीक है, ये चीज़ें अब किस तरह से हो रहा है ना, इसको तीन हम चरणों में पढ़ते हैं। ठीक है, तीन चरण में हम इसको लोकतांत्रिकरण को जानेंगे। चरण एक के अंदर में हम कहते हैं कि जब मांग की गई, चरण एक के अंदर में प्रशासनिक सेवाओं के अंदर में नियुक्ति, उसकी मांग की गई। ठीक है, देसी रियासतों के अंदर के कहने का मतलब क्या था कि पहले जब अंग्रेज हमारे भारत के अंदर में आए तो धीरे धीरे उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, और वो राजवाड़ों को अपने अंडर में लेते चले गए। ठीक है, जिस तरह से आज भारत के अंदर में ना राज्य हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उसी तरह से राजवाड़ों को भी वहाँ पर ट्रीट किया जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे चरण एक के अंदर में पहला जो देखा जाता है उसके अंदर प्रशासनिक सेवाओं के अंदर में नियुक्ति की मांग उठ जाती है कि भैया जो भी प्रशासनिक सेवा है, जो भी पोस्ट है, उसके अंदर में नियुक्ति की जाए, वहाँ पे पोस्टिंग की जाए, उसकी मांग उठती है। साथ साथ में प्रेस, जो मीडिया है, मीडिया और संगठन बनाने की मांग उठती है कि भैया आप कम से कम हमें अधिकार दो कि हम मीडिया काम कर सकें। ठीक है, संगठन बना सके। ठीक है, इसके इसका मांग उठता है। तीसरा यहाँ पे क्या आता है, प्रतिनिधि मूलक, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रतिनिधि दो भाई। ठीक है, प्रतिनिधि दो, कम से कम वो हमारी बात को उठा सके। ठीक है, मतलब इस तरह से कोई बंदा तो दो, हमें बनाने का मौका तो दो, किसी को हम चुन सके, वो हमारी बात को आगे रख सके। ठीक है, तो प्रतिनिधि मूलक परिषद की मांग उठ जाती है यहाँ पे। ठीक है, प्रतिनिधि की मांग उठती है। आगे क्या आता है, ये सारी मांग किसके द्वारा उठाई जा रही थी, तो जो शिक्षित समूह था ना, जो पढ़े लिखे लोगों का समूह था, उनके द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे मैं चरण दो की बात करूँ कि चरण दो के अंदर में क्या हुआ, तो चरण दो का जो टाइम पीरियड है 1920 से लेकर 1930 का टाइम पीरियड है। चरण दो के अंदर में आ जाता है कि जनप्रतिनिधि। ठीक है, यहाँ पे मांग आती है कि भैया जनप्रतिनिधि हो, मतलब हमारे द्वारा चुना हुआ एक, हम में से ही एक बंदा, ऐसा ना हो कि तुम बंदा अपना चुन के दे दो बंदा, वो तुम्हारा बंदा तो हमारे लिए थोड़ा काम करेगा, वो तो तुम्हारी तरफ से ही बोलेगा, हमारी तरफ से मतलब क्या कि हमारा, हमारे में से हमारे द्वारा चुना हुआ बंदा, जो लोकतंत्र का डेफिनेशन भी है। ठीक है, जनप्रतिनिधि की मांग उठ जाती है। दूसरा यहाँ पे क्या आता है कि राष्ट्रीय, मतलब राजनीतिक संगठन बनाने की मांग उठती है। पहले तो संगठन बनाने की मांग कर रहे थे, अब राजनीतिक संगठन, कि भैया ऐसा संगठन बनाने दो जो इलेक्शन भी लड़ सके। ठीक है, तो राजनीतिक संगठन बनाने की मांग उठ जाती है। ठीक है, फिर सदस्य, जो भी उसके सदस्य हैं वो भी सरकार के अंदर में भागीदारी हों, उसका भी मंत्री बने, इसकी इच्छा हो सकती है भाई। ठीक है, इस तरह से वो लोकतांत्रिकरण की ओर बढ़ते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, मतलब उसके बाद वो करते हैं कि सदस्यों को मंत्री पद के लिए चुना जाना, ये मांग बनती है, और सब सरकार की जवाबदेही हो ये तय करने की मांग करते हैं कि अगर कोई भी घटना घटती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पे किसकी जवाबदेही होगी, तो सरकार की जवाबदेही हो, इसकी वो मांग करने लगते हैं। ठीक है, जवाबदेही किसकी, सरकार की। ठीक है, जो भी वहाँ पे रूल कर रहा है ना, चाहे देसी रियासतें हों, चाहे अंग्रेज हों, जो भी है, उसकी जवाबदेही यहाँ पे तय हो, ये यहाँ पर बन जाती है, क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण की अगर मैं बात करूँ, तीसरा चरण यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ करते हैं। तीसरे चरण की बात करूँ तो 1930 से लेकर, ठीक है, 1930 से लेकर 40 के बीच में पूरा तीसरा चरण चलता है। तीसरे चरण के अंदर में जमींदारों के प्रति विरोध, ठीक है, जो जमींदार थे उनके प्रति एक विरोध सामने आता है। ठीक है, क्यों जमींदारों के प्रति विरोध का रीज़न क्या था कि जमींदार ना मतलब अपनी मर्जी से टैक्स डाल रहे थे, सामंती व्यवस्था लागू कर रहे थे, इसके कारण जमींदारों के प्रति विरोध शुरू हो जाता है। और ये फर्स्ट टाइम दिखा गया कि लोग एक मतलब राजवाड़े के अंदर में, एक रियासत के अंदर में इस तरह से विरोध, तो ये माना गया कि ये लोकतांत्रिकरण का यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, छुआछूत जो चीज़ें थी, छुआछूत था, जो अनटचेबिलिटी था, उसको लेकर यहाँ पर लोगों के अंदर में जागरूकता फैलती है, वो उसकी उसको ख़त्म करने की मांग करते हैं कि भैया ये ख़त्म करो। ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज ख़त्म भी करता है। उसके बाद में क्या, विशेषाधिकार को ख़त्म करने की बात की गई। ठीक है, विशेषाधिकार किस प्रकार के थे, तो आपको एक चीज़ में बताऊं, जैसे पहले के टाइम पे क्या था, 1930-1940 के करीब का ही हम लेके चले, तो राजपूतों के पास एक विशेषाधिकार था,
ऊंट हाथी घोड़ों पे घूमने का अधिकार, और दूसरे को ये अधिकार नहीं था। अगर कोई दूसरा बंदा कर रहा है तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होती थी या फिर उसको दंड दिया जाता था उनके द्वारा। और ये चीज़ें ना, घोड़े हाथी पालना या फिर उनको लेकर घूमना, ये सिर्फ उनके उनका ही एक विशेषाधिकार के तौर पर जाना गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ना, विशेषाधिकार जो भी थे ना, जिसके अलग अलग स्पेशल कोई राइट्स है, उसको खत्म करने की मांग यहाँ पे लोगों के द्वारा उठने लगा कि सब इक्वल है भाई, सबको लेकर चलो एक साथ। साथ साथ में ना यहाँ पे क्या होने लगा कि मंदिरों के अंदर में प्रवेश वर्जित था, तो मंदिरों का प्रवेश की मांग करने लगी। जो छूत लोग थे, अछूत लोग थे, मतलब जिनको अनटचबिलिटी के लिए लिस्ट में रखा जाता था, उनको मंदिरों के पास से गुजरने नहीं दिया जाता था, गांव से दूर रखा जाता था, गांव से बाहर से रास्ता होता था। तो इस संघ को ख़त्म करने की मांग यहाँ पे 1930-1940 के अंदर में आने लगी। ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक है, तीन पार्ट के अंदर में, तीन चरणों के अंदर में हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। किस तरह से देसी रियासतों के अंदर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है, मतलब पहले चरण में कुछ और मांग थी, सेकंड चरण में कुछ और आई, थर्ड चरण में कुछ और आई, और ये सभी चीज़ों को अगर तीनों को मिला देते हैं तो ये एक देखा जाता है कि एक लोकतंत्र का ये स्वरूप है। ठीक है, तो मतलब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट होती है। ठीक है, चौथा टॉपिक समझ में आ जाता है। हम पाँचवें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पाँचवा टॉपिक के अंदर में कहता है कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद का गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत। भैया, राष्ट्र और राष्ट्रवाद का गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत क्या है, यहाँ पे ये टॉपिक आ जाता है। इसको हम करते हैं फटाफट, पहले इसको रफ करते हैं दोस्तों। आप सबसे एक क्वेश्चन रहेगा कि आपके अकॉर्डिंग राष्ट्र है क्या। ठीक है, व्हाट इज राष्ट्र, व्हाट इज नेशन, आपके अकॉर्डिंग है क्या, कहते किसे, कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है इसका। जो मैंने MSI 9 का एक या दो लेसन कराया है तो उसके अंदर मैंने आंसर दिया है, बट आप बताइए राष्ट्र कहते किसे हैं, व्हाट इज राष्ट्र, व्हाट इज नेशन। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है ये देखना चाहूँगा मैं। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है हमारा, राष्ट्र और राष्ट्रवाद का गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत। ठीक है, अब देखो गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत को हम टोटल तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तीन अलग अलग सिद्धांतों के रूप में पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत आता है हमारा विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत पहला। इसके अंदर में क्या आता है, विकासवादी सिद्धांत के अंदर में गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत को अगर हम पढ़े तो कहते हैं राष्ट्र को विकासवाद के रूप में मानना। भैया, एक राष्ट्र क्या है, विकासवाद है, ये मानकर वो चलते हैं। ठीक है, राष्ट्र को विकासवाद के रूप में मानते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि राष्ट्र को दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। जो एक राष्ट्र बना, ऐसा नहीं है ना कि रातों रात बन गया, वो क्या बना, कैसे बना भैया, तो दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। भैया, धीरे समय के साथ, धीरे धीरे, बहुत टाइम के बाद एक राष्ट्र बना है, तो मतलब दीर्घकालीन विकास का परिणाम है। विकास कई सदियों का हुआ है और उसके योगदान से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, ये मानकर चलते हैं गैर आधुनिकतावादी के विकासवादी सिद्धांत के अंदर में। ठीक है, विकासवादी सिद्धांत के बाद यहाँ पे दूसरा टॉपिक आता है आपका प्रकृतिवादी सिद्धांत। प्रकृतिवादी सिद्धांत के अंदर में क्या होता है कि सभी चीज़ का श्रेय वो नेचर को देते हैं, प्रकृति को देते हैं। ठीक है, और ये मानते हैं कि एक राष्ट्र बना कैसे, तो बोलते हैं कि भैया प्रकृति ने बनाया, प्रकृति से हुआ है। ठीक है, ऐसा करके ये कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन में ये है, बुक की डेफिनेशन में बात करूं तो राष्ट्र क्या, एक प्रकृति के समान है, ये मानकर चलते हैं कौन, प्रकृतिवादी सिद्धांत के लोग। वो ये मान के चलते कि मानव द्वारा उसे स्वीकार भी किया जाता है कि जो राष्ट्र क्या है, प्रकृति है। ठीक है, और यहाँ पे कहा जाता है कि राष्ट्रवाद को प्रकृति से जोड़ा जाता है, मतलब राष्ट्रवाद, पूरी जो विचारधारा है ना राष्ट्रवाद का, वो प्रकृति से जोड़ा जाता है। यहाँ पे कई सारे विचारकों का ये भी मानना था, जैसे आप अगर बुक से पढ़ोगे ना गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत को, तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि डिबेट चलती है आपस में कि राष्ट्रवाद की भावना कब आई। तो कुछ लोग कहते हैं कि 100 साल पुरानी है, कुछ लोग कहते हैं अभी अभी बनी है, कुछ लोग कहते हैं आधुनिकतावादी सिद्धांत के आने के बाद आया। ठीक है, जब मतलब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ उसके बाद आया। कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, औद्योगिकरण आया, तब आया राष्ट्रवाद की भावना। पर भारत के जो इतिहासकारों को पढ़ोगे, तो जैसे राष्ट्रवाद के जो इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर जन्मजात है, शुरू से ही है। भैया, आप महाभारत रामायण पढ़ोगे ना, उस समय से ही हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना, ऐसा नहीं कि आज ही हमारे अंदर आई है। राष्ट्रवाद की भावना का कहने का मतलब क्या, जहाँ पे हम अपने राष्ट्र के प्रति सोचते हैं वहाँ से है, रामायण महाभारत के ग्रंथों से ही आपको राष्ट्रवाद की भावना देखने के लिए मिलती है। उसके बाद कई सारे विचार का कहना था कि 100 साल पुराना है, कई सारे कहना था 200 साल पुराना है, तो राष्ट्रवाद की भावना की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत के अंदर में जो प्रकृतिवादी लोग थे, उनका ये मानना था कि राष्ट्रवाद की भावना प्रकृति से जुड़ी हुई है। ठीक है, प्रकृति के रूप में वो देखते हैं राष्ट्रवाद की भावना को भी। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे तीसरा, जो तीसरा टॉपिक आ जाता है गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत का, ठीक है, आता है निरंतरतावादी सिद्धांत। ठीक है, निरंतरतावादी सिद्धांत।
निरंतरतावादी सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहते हैं कि राष्ट्र को एक ब्रांड के रूप में देखते हैं, ब्रांड, ठीक है, ब्रांड वैल्यू होता है, तो राष्ट्र को एक ब्रांड के रूप में वो मानते हैं कि भैया राष्ट्र का एक ब्रांड है, ठीक है। वो राष्ट्रवाद को लंबे समय का परिणाम मान के चलते हैं कि भैया राष्ट्रवाद जो बना वो लंबे समय का परिणाम है, ऐसा नहीं बना, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलो तो मोहम्मद अली जिन्ना से एक बार पूछा गया कि पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है क्या 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना की गई तो उसके बाद आया, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला नहीं, ये गलत फहमी है लोगों की कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को लाया, बिल्कुल गलत है। जैसे ही भारत के अंदर में मुस्लिमों की आबादी बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है, कन्वर्जन स्टार्ट हुआ, ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाए जाने लगे, तो वहीं से पाकिस्तान राष्ट्र का उदय हो चुका था, वहाँ से पाकिस्तान राष्ट्र बनने वाला था, ये क्लियर हो चुका था। तो मतलब क्या पाकिस्तान ये नहीं था कि एक रात में बनकर आ गया, 14 अगस्त को अचानक से अंग्रेजों ने फैसला किया और बन गया, ऐसा नहीं था भाई, बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद एक पाकिस्तान राष्ट्र निकलता है, ये यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था, ठीक है। कोई भी राष्ट्र एक दिन के संघर्ष में नहीं बनता, उसके लिए बहुत पुराना था। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और डीपली पढ़ोगे तो आप ये देखोगे जब मुगल शासक थे, औरंगजेब ने बहुत सारे कन्वर्जन करवाया, ठीक है, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, अलग अलग धर्मों को लोगों को परिवर्तन करवाया, तो वहीं से माना जाता है कि भैया वहीं से मुसलमान राष्ट्र की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। जैसे ही मुगलों का इतने समय तक राज किया, ठीक है, वो तो शुक्र मनाओ आप, मैं, कुछ लोग हिंदू बच गए हैं, ठीक है, नहीं तो अगर कुछ टाइम और अंग्रेज नहीं आए होते, ठीक है, और मुगलों का ही राज चलता, या फिर कुछ मुगलों के अच्छे शासक लास्ट में बचे होते औरंगजेब के बाद, या औरंगजेब जैसे दो चार शासक और आते, तो शायद मेरा नाम भी मोहम्मद विश्वजीत कुछ ऐसा करके होता है, आपका भी कुछ और हो सकता था, ठीक है। और इस तरह से दूसरे टॉपिक है, ठीक है, किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है, अगर लग भी रहा तो सॉरी उसको, बट ये यहाँ पे टॉपिक हमारा गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत खत्म होता है। आगे मैं बात करूँ टॉपिक नंबर 6, राष्ट्रवाद और राष्ट्र और राष्ट्रवाद का आधुनिकतावादी सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ पे गैर आधुनिकतावादी हमने पढ़ा, अब आधुनिकतावादी सिद्धांत क्या है ये हम बात करते हैं। तो आधुनिकतावादी सिद्धांत की बात करूँ तो यहाँ पे कई सारे विचारक आते हैं और उनका अलग अलग विचारधारा है, ठीक है, राष्ट्रवाद को लेकर। तो यहाँ पर एक आधुनिकतावादी सिद्धांत के अंदर में एक विचारक आती है एली कड्यूरी करके, ठीक है, एली कड्यूरी नाम की एक विचारक आती है। उनका मानना क्या है कि राष्ट्रवाद क्या है, एक सिद्धांत के रूप में वो देखती है, राष्ट्रवाद को एक सिद्धांत के रूप में देखती है कि भैया राष्ट्रवाद का एक सिद्धांत है, ऐसा वो मानती हैं। साथ साथ में कहती है राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं ना वो बहुत गहरी हैं, ऐसा नहीं है कि दो चार दिन में बनकर आ गया, सेम चीज़ सारे लोग एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है, बहुत पुराना है, जड़ें उसकी बहुत गहरी हैं, बहुत अंदर तक हैं, ये मानकर चलती हैं। यहाँ पे एक और विचारक आते हैं जिनका नाम है ग्लैनर, ठीक है। यहाँ पे ग्लैनर क्या कहते हैं, ग्लैनर कहते हैं कि राष्ट्रवाद का उदय कृषि और औद्योगिक विश्व के रूपांतरण से हुआ। यहाँ पे ग्लैनर का कुछ विचारधारा अलग है। ग्लैनर कहते हैं भैया जैसे कृषि का विकास होना शुरू हुआ, ठीक है, औद्योगिक विश्व का विकास होना शुरू हुआ, उसके बाद राष्ट्रवाद का रूपांतरण यहाँ पर हुआ है, ठीक है। भारत के कॉन्सेप्ट में नहीं हम बात करें, यहाँ पे इंटरनेशनली हम बात करें कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो साथ साथ में कहते हैं कि ग्लैनर का जो सिद्धांत था वो भौतिकतावादी सिद्धांत के ऊपर आधारित था, ठीक है, और वो विकास के सिद्धांत पर आधारित, मतलब जो भी बातें बोलते थे ना वो विकासवादी सिद्धांत के ऊपर में आधारित होती थी, ठीक है। वो विकास करने वाली अर्थव्यवस्था को स्थिर करना चाहते थे, जैसे जो अर्थव्यवस्था विकास करी उसको स्थिर रखो, उसको फिक्स रखो कि वो विकास इसी तरह करती जाए, और पुरानी अर्थव्यवस्था को समाप्त करो, ठीक है। जो पुराना तरीका है, पुराना अर्थव्यवस्था है, पुराना जो वे ऑफ अर्निंग है या फिर वे ऑफ इकोनॉमी है उसको ख़त्म करो, ठीक है, और नए वाले को स्थिर रखो, ये मानकर चलते हैं ग्लैनर, ठीक है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए संपूर्ण साक्षरता पर जोर देते हैं कि शिक्षा जरूरी है, अगर शिक्षा रहेगा, साक्षरता रहोगे, साक्षर रहोगे, तब अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है, ये ग्लैनर का मानना था, ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पे एक और विचारक हम बात करते हैं टॉम का, ठीक है, टॉम भी यहाँ पे आते हैं, एक और विचारक। टॉम का क्या मानना था कि यह सिद्धांत आधुनिकतावादी होने के साथ साथ सार्वभौमिकतावादी भी है, ये टॉम का मानना था, ये टॉम यहाँ पे लेकर चलते हैं, ठीक है, समझ में आया दोस्तों, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक यहाँ पे हमारा छठा खत्म हो जाता है। सातवें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सातवां टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता और विफलता, ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, तो जो असहयोग आंदोलन था ना, एज लाइक सेम है, बस थोड़ा सा उसके अंदर में स्वरूप चेंज होता है, और यहाँ पे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको समझ में आए, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा ना कि जैसे जो 15 टॉपिक में करवा रहा हूँ, 15 टॉपिक को आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आप इसको क्या करो, एक एक टॉपिक को ना लिखना शुरू करो, जिससे आपकी रिटर्न की भी प्रैक्टिस हो और ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस, आप ये मान के चलो, ठीक है, बिलीफ।
और सिर्फ हमें 5 क्वेश्चन करके आने होता है, 15 टॉपिक दे रहा हूँ, 15 टॉपिक में से 5 क्वेश्चन में से 3, 4, 5 तो आ ही जाते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी आए इस बार भी आ जाएगा, डोंट वेरी। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि आप लिख सकते हो कुछ। अगर थोड़ा सा अलग भी पूछ रहा है तो बनाकर भी लिख सकते हो, ये कॉन्फिडेंस लेके चलोगे तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करूँ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर में गांधी जी द्वारा किया गया आंदोलन में से एक है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को, डेट नोट करते जाइए। ठीक है, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए शुरुआत होती है, जिसके अंदर में गांधी जी और उनके 78 सहयोगी, ठीक है, 78 सहयोगियों द्वारा एक यात्रा निकाली जाती है डांडी यात्रा के नाम से, जिसे जाना जाता है। ठीक है, डांडी यात्रा निकालेगी कब? 12 मार्च 1930 को। ये यात्रा टोटल 24 दिन तक चलती है, 24 दिन में 240 किलोमीटर पैदल चलते हैं गांधी जी और उनके 78 सहयोगी। लोग धीरे धीरे ना जुड़ते चले जाते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, और ये 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंच जाते हैं। डांडी कहाँ होता है भाई? तो डांडी गुजरात के अंदर में डांडी होते हैं। डांडी यात्रा नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि साबरमती से डांडी के लिए वो यात्रा चल रही होती है, और ये डांडी यात्रा कहाँ हो जाती है? गुजरात के डांडी में पहुंचती है। कब पहुंचती है? तो 5 अप्रैल 1930 को ये पहुंच जाती है। ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे 6 अप्रैल को गांधी जी द्वारा नमक बनाकर, ठीक है, नमक कानून को भंग किया जाता है, क्योंकि नमक कानून, नमक के ऊपर में ना मोनोपोली हो रखा था एक तरह से कि अंग्रेजी बना सकते हैं, इस तरह से चल रहा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर में जो भी कानून है उसको भंग करना, ठीक है, उसको अहिंसक रूप से, अहिंसक मतलब क्या, बिना हिंसा के उसका विरोध करना, ये इसका मेन स्वरूप था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो गांधी जी ने क्या किया? नमक बनाया और वहाँ पे कानून का विरोध किया। ठीक है, यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। अगर मैं अब सफलता और असफलता की बात करूँ तो सफलता देखा जाता है तो कांग्रेस की बहुत ज़्यादा सफलता रही सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर में, जिसमें कांग्रेस का सफल स्वरूप देखने को मिला। कांग्रेस एक बहुत ज़्यादा सफल स्वरूप के अंदर तौर पर यहाँ पर फेमस होता है। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस का जो पहुँच होता है ना वो जन जन तक फैल जाता है। ठीक है, कांग्रेस का विकास होता है, उसका जन जन तक उसका स्वरूप वहाँ पर फैलता है कांग्रेस का। उसके बाद में दोस्तों 1937 के अंदर में चुनाव होता है, और 1937 के चुनाव के अंदर में कांग्रेस को बहुत भारी विजय मिलती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके बाद कांग्रेस का स्वरूप बदला। अब स्वरूप बदलने से क्या मतलब है मेरा? जैसे पहले अगर आप देखोगे ना, जब मतलब 1885 के करीब में जब कांग्रेस का निर्माण किया गया, जब कांग्रेस को बनाया गया तो अंग्रेज़ों द्वारा ही कांग्रेस बनाया गया। इसके पीछे रीज़न क्या था कि भाई रोज़ ना एक बंदा अंग्रेज के पास पहुंच जाता था, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, रोज़ एक बंदा अंग्रेज़ के पास पहुंच जाता और बोलता कि भैया अंग्रेजी सरकार के पास कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अब वो अंग्रेज़ ना उसकी बात सुन लेता, अगले दिन कोई दूसरा बंदा आ जाता, फिर उसके दिन अगले दिन दूसरा बंदा आ जाता, वो कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से, ऐसे ऐसे करके ना रोज़ अलग अलग जगह से बंदे पहुँचते थे। और वो भी बड़े परेशान किया, ये बंदा पागल है क्या, इस तरह से सारे उठ उठ के आ रहे हैं, एक ही बार में आ जाओ, कोई एक बंदा आए। ठीक है, और कई बार क्या होता था, सबको एक ही प्रॉब्लम होती थी पर अलग अलग बंदे जाके बताते थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा इसके लिए क्या किया जा सकता है कि एक संगठन बना दिया जाए, तो कांग्रेस संगठन का निर्माण हुआ था। ये फॉर एग्जांपल है, दिल पे मत लीजिएगा कि सर आपने ये बताया पर बुक में तो कुछ और लिखा है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एग्जांपल है आपको समझने के लिए। ठीक है, तो कांग्रेस का स्वरूप जो था वो चेंज होता है, वहाँ पे स्वरूप चेंज होने के कारण से उसका विकास देखने के लिए मिलता है। स्वरूप क्या था? पहले लोगों के मन में ये मानना था लोगों का कि कांग्रेस को किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। तो कांग्रेस अगर कुछ काम करेगा तो किसके लिए करेगा? अंग्रेजों के लिए करेगा। तो मतलब वो हमारा हितेशी नहीं हो सकता, वो हमारा अहितेशी है, मतलब वो हमारे बारे में नहीं सोच सकता है, वो अंग्रेजों के लिए ही काम करेगा। तो मतलब उनके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर बिलीव नहीं था लोगों का, स्टार्टिंग से नहीं था, और आज तो मुझे भी नहीं है। ठीक है, आज की जो कंडीशन है उस पर किसी को भी नहीं होगा, आई होप सो, मुझे ही लगता है। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था ना तो जो कांग्रेस के बारे में लिख रखा था ना कि इसका स्वरूप में परिवर्तन हुआ, बिलीव नहीं था लोगों को, तो मुझे लगा यार आज भी बिलीव नहीं है। ये मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये करंट स्टेटस को अपडेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो कांग्रेस का स्वरूप परिवर्तन हुआ, मतलब वो क्रांतिकारी रूप में उसको जाने जाने लगा कि भैया वो भी क्रांतिकारी है, वो भी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, जिसके बाद लोगों ने उसको सहयोग दिया और उसको बहुत ज़्यादा विजय मिलता है 1937 के चुनावों में। ठीक है, समझ में आता है यहाँ पे कांग्रेस का, ये मैंने बता दिया सहयोग आंदोलन का सफलता। अगर मैं विफलता की बात करूँ तो यहाँ पे औपनिवेशिक सरकार के द्वारा उसका दमन किया गया, और दमन के अंदर में क्या किया गया, किसानों की भूमि को नीलाम करने की कोशिश की गई। ठीक है, जमींदारों को अधिकार दिए गए। ठीक है, बहुत सारे टैक्स लगाए गए, बहुत सारे कर व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, किसानों की ज़मीनों को वापस, शीघ्र वापस नहीं किया गया। असहयोग आंदोलन के अंदर में एक मांग भी थी गांधी जी के द्वारा कि जो भी किसानों की ज़मीन आपने लिया, असहयोग आंदोलन को पहले समझना पड़ेगा आपको क्या, उसको इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले, असहयोग आंदोलन के अंदर में गांधी जी द्वारा रिक्वेस्ट ये की गई कि जो भी आप टैक्स देते हो वो मत दो। ठीक है,
सरकार का विरोध करो, या गांधी जी ने कई बार ना बोलना कुछ और चाह, लोगों ने कुछ और मान के चला, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि सरकारी कानून का हम विरोध करेंगे। तो सरकार टैक्स लेती थी खेतों के ऊपर में अलग अलग जगह पे, लोगों ने बोला विरोध करेंगे, ठीक है फिर हम टैक्स नहीं देंगे, ये हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें चलने लगी। तो जो टैक्स नहीं दिया, अंग्रेजों ने क्या बोला, भैया आपका टैक्स हो गया 2 महीने का, आपने दिया नहीं, ठीक है। अब वो लोग ना चौड़े में आ गया कि गांधी जी ने बोला था, ठीक है। तो बोला गांधी जी ने बोला था, गांधी जी की जमीन थोड़ी ना, गांधी जी के पास तो कुछ नहीं है, तेरी जमीन गई बेटे, हम नीलाम। तो इस तरह से उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी गई। तो अब जब सबने अवज्ञा आंदोलन खत्म करने की रिक्वेस्ट अंग्रेज कर रहे थे, तो वहाँ पे गांधी जी द्वारा एक शर्त रखी गई कि जो ज़मीनें किसानों की ली गई वो उन्हें वापस कर दिया जाए, ठीक है। शर्त में ये भी रखा गया जिनको आपने कैद किया है, जिनको आपने बंदी बनाया उनको भी आज़ाद किया जाए। पर अंग्रेज़ों ने ये बोला कि जिन्होंने हमारे जान माल की हानि हुई है, जो अहिंसक प्रदर्शन के अंदर में शामिल थे, उनको हम आज़ाद नहीं करेंगे, बाकी सबको हम छोड़ देंगे, ठीक है। बहुत सारे नेताओं को उन्होंने कैद किया था अंग्रेजों ने, उन सबको छोड़ दिया, पर जो हिंसा में प्रदर्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, हिंसा में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सबको उन्होंने कैद में रखा। ज़मीनें नीलाम कर दी गई थी बहुत सारे किसानों की, ज़मीनें जिनकी नीलाम नहीं थी उनको देने में बहुत लंबा प्रोसेस का सामना करना पड़ा। तो ये सफलता के तौर पर हम देखते हैं कई जगह पर, जो अहिंसक मोटिव मेन था असहयोग आंदोलन का, अहिंसक हो, पर कई जगह पे इसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता दिखता है और अहिंसक हिंसक में बदल जाता है। तो ये भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है, समझ में आता है। 7वां टॉपिक क्लियर। 8वें टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां टॉपिक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, ठीक है। ये भी 8वें टॉपिक के अंदर में मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का, कि स्वदेशी आंदोलन है क्या भैया, ठीक है। यहाँ पर मैं स्वदेशी आंदोलन की बात करूँ, देखो पहले थोड़ा सा रफ करते हैं जिससे हमें इधर का समझ में आए। अगर दोस्तों रिक्वेस्ट बार बार मैं यही कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ समझ में ना आए ना तो बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा, जिससे आपका ना डाउट मैं दूर कर सकूँ, क्योंकि डाउट के साथ आप एग्ज़ाम देने तो जा नहीं सकते, एग्ज़ाम दे भी नहीं पाओगे। डाउट कोशिश कीजिएगा अपना क्लियर करके जाओ। 8वां टॉपिक स्वदेशी आंदोलन, टॉपिक से क्लियर है। स्वदेशी मतलब क्या, अपने आप देश के अंदर में किया गया आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के रूप में जाना गया। स्वदेशी आंदोलन को एक अहिंसक, मतलब इसका जो रुख था, जो रूप था, स्वरूप था, वो अहिंसक रखा गया था, पर इसका रुख धीरे धीरे चेंज हुआ, स्वरूप में परिवर्तन हुआ, अहिंसक से हिंसक के तौर पे बढ़ा। 1857 के विद्रोह जो हुआ था, 1857 का विद्रोह के बाद ही ये विद्रोह की क्रांति लोगों के अंदर में थी और हिंसा की भावना लोगों के अंदर में थी, उसी का परिणाम यहाँ पे हिंसा के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन के जो समूह थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था, जो बंगाल क्रांतिकारी समूह के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था। खुफिया गतिविधि बहुत ज़्यादा तेज कर दी गई थी लोगों के द्वारा। खुफिया गतिविधि मतलब क्या, अंग्रेजों के ऊपर में नज़र रखना, इस तरह की चीज़ें। अगस्त 1906 के अंदर में रंगपुरा बंगाल के आसपास में पड़ता है, रंगपुरा के अंदर में पहली स्वदेशी डकैती की गई थी भारतीय लोगों के द्वारा 1906 के अंदर में। ऐसा मतलब लिखित तौर पे अंग्रेजों ने कहना है, ठीक है। स्वदेशी डकैती कई बार हुई होगी बट ये 1906 के अंदर में, और उस डकैती का मोटिव क्या था। स्वदेशी डकैती क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन है इसलिए उससे जोड़कर स्वदेशी डकैती, क्योंकि इस आंदोलन के आधार पर वो डकैती को अंजाम दिया गया था। कब, 1906 के अंदर में अगस्त, ठीक है, अगस्त 1906 के अंदर में रंगपुरा में, ठीक है, डेट वेट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या कहता है कि स्वदेशी डकैती, उसका उद्देश्य क्या था, धन जुटाना, किस लिए, आंदोलन के अंदर में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा यहाँ पे उसका मोटिव क्या देता है, बम बनाने के लिए, जिससे अंग्रेजों को टारगेट किया जा सके, उसके लिए यहाँ पे स्वदेशी डकैती की गई थी। यहाँ पे एक मुजफ्फरपुर कांड भी होता है दोस्तों। मुजफ्फरपुर कांड का रीजन क्या होता है, बंगाल भंग होता है 1906 के अंदर में, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, ठीक है। बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटने से पहले, जो बंगाल का अगर आप बात करोगे तो आसाम, बिहार, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, पूरा जो इतना बड़ा है ना जो एरिया है, बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, ठीक है, पूरा एरिया बंगाल के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने उसको क्या किया, कई सारे टुकड़ों में बांट दिया। रीज़न ये था, क्या था कि भैया ये इन्होंने, अंग्रेजों ने देखा कि जो भारत का पूरा जो हार्ट है ना, जो मेन है, वो बंगाल है, ठीक है, बंगाल से सारे कुछ निकल के आ रहा है, बंगाल से सारे आंदोलन शुरू हो रहे हैं। तो अंग्रेजों ने देखा कि इसको तो तोड़ना पड़ेगा, ये मेन शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो उन्होंने बंग भंग किया 1906 के अंदर में, बंग भंग के नाम से जाना जाता है 1906, ठीक है। और इसी के विरोध में मुजफ्फरपुर कांड होता है। मुजफ्फरपुर कांड के अंदर में 2 व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसका एक का नाम होता है खुदीराम बोस और दूसरे का नाम होता है प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। इसको ये क्या क्या कहा जाता है कि एक जो बंग भंग के अंदर में जो आंदोलन हुए, आंदोलन के अंदर में हिंसक आंदोलन हुए, तो एक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई, जज ने, और उन सभी आरोपियों को फांसी की सजा देता है या जो भी सजा दे देता है,
ठीक है, सजा देने के बाद मुजफ्फरपुर कांड आयोजन किया जाता है कि जज को हम मारेंगे, और दो लोगों को ये काम सौंपा जाता है, किस किस को, खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को, कि जाओ आप इसको मार दो। अब मारने के लिए प्रूफ प्लानिंग के साथ जाते हैं, नज़र रखते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ये लोग उसकी जगह किसी और को मार देते हैं, बाय मिस्टेक चूक जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेजी सरकार उन्हें पकड़ती है, बाद में उन्हें फांसी चढ़ा देती है, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को, ठीक है। खुदीराम बोस को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। इनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए यहाँ पर मिलेंगी इनके बारे में। अंग्रेजी सरकार की आलोचना की जाती है इस कदम को लेकर, ठीक है, कि उन्होंने इनको मार दिया या फिर जो भी थी, इस तरह की चीज़ों को लेकर आलोचना की जाती है। जो प्रेस होता है, मीडिया होती है, उसके अंदर में प्रसार किया जाता है सरकार के खिलाफ में, सरकार के विरोध में, सरकार की बहुत ज़्यादा बुराई की जाती है, ठीक है। कविता, नुक्कड़ नाटक, ठीक है, और अलग अलग तरीके से गीत गायक, लोक गीतियाँ होती थी, उनके द्वारा सरकार को ना बुराई की जाती थी। रीज़न क्या था कि जो गरीब लोग था, अनपढ़ गवार थे सारे, पढ़े लिखे थे नहीं, अशिक्षित थे, तो उन तक वो चीज़ें पहुँचेंगी कैसे, तो उसके कारण से लोगों ने क्या किया कि इन सब को माध्यम बनाया, कि इन सब माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकते हैं, कि जागरूक कर सकते हैं मतलब लोगों को, ठीक है। लोगों अगर जागरूक रहेंगे तब वो सरकार के खिलाफ समझ पाएंगे कि क्या है, ठीक है, किस तरह की चीज़ें चलती हैं, ये समझ पाएंगे, तो इसको लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही थी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्रचार प्रसार किया जाता अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में, और साथ साथ में क्या किया गया, अंग्रेजों ने सबक सिखाने के लिए क्या किया कि बंग भंग किया, बंग भंग के बाद कलकत्ता से जो राजधानी थी ना, भारत की राजधानी कलकत्ता थी, वो शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया। रीज़न क्या है, कुछ भी आज के समय में होता है तो हम क्या कहते हैं, भाई दिल्ली चलो, दिल्ली के अंदर में फैसला होगा, क्यों भाई दिल्ली के अंदर में, क्यों, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर कुछ भी चीज़ है ना, सारा कुछ दिल्ली के अंदर में ही मेन है। पर पहले 1906 से पहले कलकत्ता के लिए लोग जाते थे, कोई जितने बड़े बड़े व्यापारी होते थे, जितने छोटे व्यापारी होते थे ना, तो वो कलकत्ता जाते थे, नहीं तो बर्मा जाते थे, पर बर्मा जाने के लिए भी कलकत्ता होकर जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती थी, बर्मा तो मतलब पहले भारत का ही, अखंड भारत के अंदर में अगर जोड़ोगे तो बर्मा वर्मा म्यांमार सारा भारत का ही अंग के तौर पर देखे जाते हैं, ठीक है। तो पर कलकत्ता मेन माना जाता था, और कलकत्ता की अगर खासियत आप देखोगे ना दोस्तों, तो वो इतना पावरफुल है कि वो पूरी कंट्री को लीड कर सकता है, और उसके अंदर में पूरी कंट्री के पावर है, ठीक है, मतलब मान सो हर तरह की खासियत है, ये माना जाता था बंगाल को, ठीक है। और अंग्रेजों ने इसी को भांपा, और इसी के कारण से बंग भंग योजना लाया, और बंगाल को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, ठीक है। बंगाल की अगर हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो जितने भी पढ़े लिखे जो विद्वान थे ना, जो आज के टाइम पे जो बड़े बड़े, सारे बंगाल से आते थे। अब धीरे धीरे परिवर्तित हुआ, और वो जो एजुकेशनल हब था बंगाल, वो ख़त्म होता चला गया, और वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया। जितने भी आज के समय बड़े बड़े विद्वान आते हैं ना, वो साउथ से आते हैं, ठीक है, चेंजेस हुआ, एजुकेशनल हब में परिवर्तन, ठीक है। ये अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी देन देखी जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो अगला टॉपिक आता है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, नोवा टॉपिक, नोवा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोवा, भारत छोड़ो आंदोलन, भाई इसका शुरुआत क्या होता है, तो इसका कारण मेन माना जाता है, तत्कालीन कारण अगर मैं बात करूँ तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसका मेन तत्कालीन कारण के तौर पर देखा गया भारत छोड़ो आंदोलन का। इसके कारण, इसका मेन रीज़न क्या था कि मुद्रास्फीति होती है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती है, युद्ध आपूर्ति, अंग्रेज कई मोर्चों पे युद्ध लड़ रहे थे, अब उनको भाई सपोर्ट की जरूरत थी, उनके पास पूरे हथियार नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तो उसके कारण से क्या हुआ, उनको युद्ध में आपूर्ति चाहिए था, लोगों की मदद थी, सैनिक की जरूरत थी, हथियारों की जरूरत थी, तो भारत से भी बहुत ज़्यादा लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अभी भारत के करंट के अंदर में जो हमारी सेना है, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, पूरे सेना की संख्या क्या है, ऑलमोस्ट मान के चलते हम 15 लाख के करीब में है। उस समय 13 लाख से ज़्यादा लोग अंग्रेजों के लिए भारत से लड़ रहे थे। आज की हमारी सैनिक की पूरी क्षमता क्या है, 15 लाख एक्टिव मान के चलते हैं, ठीक है। अगर मेरा आंकड़े गलत हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा एक्चुअल आंकड़े क्या हैं, बट जो मैंने लास्ट पढ़ा है 15 लाख के करीब में है एक्टिव, ठीक है, आर्मी हमारी फोर्स पूरी। पर उस समय 13 से 14 लाख के करीब में अंग्रेजों के लिए लड़ रहे थे भारत से, ठीक है। और भारत के उस समय अगर आप ना देखोगे, जनसंख्या देखोगे, तो टोटल 30-32 करोड़ के करीब में हमारी भारत की जनसंख्या थी 1947-48 में, ठीक है, 1950 में मान के चलो, तो इस तरीके से देखा जाता है दोस्तों। आज हमारी 125 करोड़ की आबादी और 15 लाख की सैनी है, उस समय हमारी 37 करोड़ की आबादी थी तो भी हमारे 13 लाख सैनिक लड़ रहे थे अंग्रेजों के लिए, तो ये चीज़ें थी। और इन सब चीज़ों के कारण से जो राष्ट्रवादी लोग थे ना, उनके अंदर में आक्रोश की भावना आती है, जनता के अंदर में आक्रोश फैलाया जाता है, ठीक है, और वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ टूट पड़ते हैं, और गांधी जी के द्वारा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जाती है, ठीक है। और वो पूरी जो राजनीतिक गतिविधि थी ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटेन की सोचनीय स्थिति बन जाती है, जहाँ पे ब्रिटेन सोचता है कि रियली मैं क्या भारत के अंदर मैं टिक पाऊँगा, भारत के अंदर मैं रह पाऊँगा, ये सोचने में मजबूर हो जाता है, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय सेना बर्मा के अंदर में कमज़ोर पड़ रही थी, जो ब्रिटिश भारतीय जो थी ना वो कमज़ोर पड़ती जा रही थी, कहाँ पर, बर्मा के अंदर में, बर्मा म्यांमार के अंदर में,
रीजन क्या था कि वहां पे जापान से सीधा युद्ध था और सीधा फेस टू फेस वॉर के अंदर में वो लड़ नहीं पा रही थी, जापान को फेस नहीं कर पा रही थी। जापान हिंद महासागर की ओर बढ़ता जा रहा था, ठीक है, और ब्रिटेन को डर था कि अगर जापान यहाँ आ गया तो भारत भी वो गवा देगा, जापान भारत पे कब्जा कर लेगा, ये ब्रिटेन को डर था, ठीक है। और मतलब ना वो अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं था ब्रिटेन को कि वो लड़ भी सकता 1942 के अंदर में जापान के सामने, वो टिक भी पाएगा, ये उसकी क्षमता पे विश्वास नहीं था। 1941 के अंदर में क्रांतीय जो केंद्रीय प्रांत थे उसमें बहुत बड़ी अफवाह उड़ी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन सफल होना या फिर 1947 में हमें आज़ादी मिलना, उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीज़न अफवाहों को भी माना जाता है, ठीक है, कि अफवाह उड़ी और अफवाह के अंदर में ना लोग ना पता है अफवाहों के कारण ना लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं, बड़े बड़े लोग पहाड़ चढ़ जाते हैं, जिसके अंदर में क्षमता नहीं है वो भी बहुत कुछ कर लेता है, तो अफवाहों को बहुत बड़ा रोल माना जाता है और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर में भी अफवाहों को हम रोल देख के चलते हैं, ठीक है। सातवां टॉपिक ये मतलब नौवां टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, अब हम बढ़ते हैं दसवें टॉपिक की ओर, ठीक है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये सारे टॉपिक्स दोस्तों आप ये कह सकते हो कि जो आपके 10 साल के क्वेश्चन पेपर है ना उन सभी में से छांटे गए हैं, आपके बुक को एनालाइज़ किया गया कि क्या क्या टॉपिक्स बन सकते हैं और उसके बेसिस पे ये 15 टॉपिक्स मैंने छांटे हैं, ठीक है। और इतना देर नॉन स्टॉप बोलना दोस्तों कई बार ना बुरी तरह से हालत हो जाती है, हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बट आपके लिए मैं कर रहा हूँ। 10 तारीख और 12 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे होते हैं और मुझे बहुत बार फील करता हूँ कि यार मैं कर नहीं पाया, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाया, तो उसके कारण से वीडियो दे रहा हूँ, आई होप सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बट अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो और इसकी प्रैक्टिस कर पाते हो तभी आप लिख पाओगे, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख कर अब गए और एग्ज़ाम देकर आ गए आप पास हो गए, ऐसा नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। अगला आगे मैं टॉपिक की ओर बढ़ूँ, ठीक है, 10वां टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्ग किसान, ठीक है, इसका मैं पहले सबसे पहले मैं टॉपिक समझाऊँ आपको। राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे भारत के अंदर में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, वहाँ पे दलित वर्ग का क्या योगदान था और किसानों का क्या योगदान था, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, दोनों में से कुछ भी आ जाता है, अगर दलित वर्ग आए तो भी आपको बताना है और किसान आए तो भी बताना है, तो यहाँ पे दोनों को मैंने एक में ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, दोनों को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 1928 के अंदर में केंद्रीय विधानसभा का प्रस्ताव पारित किया जाता है, भाई केंद्रीय विधानसभा का 1928 में, जिसके तहत ये कहा जाता है कि अछूत और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा का अधिकार मिले, शिक्षा की सुविधा मिले, अछूत सबको मतलब शिक्षा व्यवस्था कायम किया जाए उनके लिए, ये चीज़ें मांग उठ जाती हैं। अभी मैंने पढ़ाया था ना देसी रियासतों में लोकतंत्रीकरण, तो ठीक है, तो वो यहाँ पे भी यहाँ पे लागू होता है, मतलब वो सारा कुछ मिला हुआ है, एक ही टॉपिक है सारे, बस नाम अलग अलग हैं, तो वो भी अगर आपने पढ़ा ये भी पढ़ा तो आप मिला जुला के लिख पाओगे। तो अछूत और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 1928 के अंदर में केंद्रीय विधान के अंदर में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसके अंदर में उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। लोक सेवा के अंदर में जो IPS IPS आज के IAS IPS अधिकारी बनते हैं, तो उसी तरह से देसी रियासतों के अंदर में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई अलग अलग जगह पे, कलेक्टरों को मतलब एक ना अंग्रेजों का प्रतिनिधि को स्थापना किया जाता था, तो वो प्रतिनिधि बनेगा कौन, उसके लिए उसके अंदर में आरक्षण की मांग की गई अंग्रेजों के द्वारा और आरक्षण दिया गया। राष्ट्रीय उत्थान, ठीक है, के लिए अस्पृश्यता जो अछूत अनटचबिलिटी है ना उसकी मतलब अनटचबिलिटी की आवश्यकता है, इसके ऊपर जोर दिया गया कि मतलब अगर आप छुआछूत समाज में रहेगा तो कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो नहीं सकता, ये कहा गया, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो एक समाज के अंदर में सभी लोग रह रहे हैं तो सभी के लिए स्वतंत्रता जरूरी है ना, ऐसा थोड़ी ना कि मेरे लिए ही है या राजपूतों के लिए ये है, चमारों के लिए नहीं है, सॉरी कि यहाँ पे किसी कास्ट को डोमेन नहीं करना मुझे, बट नॉर्मली ये ऑन द टॉपिक आते हैं वापस से। तो ये कहा गया, कई सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई अस्पृश्यता को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो छुआछूत है उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसके लिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने के लिए ये कहा गया। इसके अंदर में सबसे बड़े जो दो नाम आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय, जो दलितों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, ठीक, गांधी जी द्वारा भी इनकी चिंता व्यक्त की गई, जैसे आप देखोगे हरिजन पत्रिका जो गांधी जी के द्वारा चलाई जाती थी उसके अंदर में भी ये बहुत ज़्यादा बोला गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है, हरिजनों को लेकर दलितों को लेकर गांधी जी ने बहुत ज़्यादा बोला, ठीक है, तो ये चीज़ें थी गांधी जी के द्वारा भी दलित वर्ग को लेकर चिंता व्यक्त की गई, ठीक है। गांधी जी के द्वारा 1920 के अंदर में एक अधिवेशन होता है नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का, जिसके अंदर में अस्पृश्यता अनटचबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है, और कहा जाता है कि भैया अगर ये चीज़ें नहीं तो हमारा समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता, बहुत सारी टॉपिक्स को वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। स्थानीय समाज के अंदर में दलितों का प्रतिनिधित्व हो, ठीक है, दलित वर्ग भी स्थानीय समाज से आए और अपने समाज का जो मुद्दा है जो वो है अपने समाज का प्रतिनिधित्व करे, उसके ऊपर में जोर दिया गया। साथ साथ में 1920 के निर्वाचन संबंधित सुधार किए गए जिसमें दलित भी निर्वाचन के तौर पे, ठीक है, इलेक्शन इलेक्ट कर हो सके उसके लिए वहाँ पर सुविधा दी जाए, इसकी बात की गई, ठीक है, समझ में आता है।
अगला अगर मैं बात करूँ इसी टॉपिक के अंदर में किसानों को लेकर, तो किसानों के लेकर जब किसान गांधी जी इंडिया में आए, ठीक है, अफ्रीका से, ठीक है, तो एक ट्वेल्थ के अंदर में एक टॉप बुक है आपकी इंग्लिश की, उसके अंदर में एक चैप्टर है इंडिगो, आपने पढ़ा होगा शायद, आई होप सो, इंडिगो जो पूरी नील खेती के ऊपर में बेस्ड चैप्टर है। इसके अंदर में क्या होता है, चंपारण आंदोलन, भारत का प्रथम आंदोलन जहाँ पे लोगों को अपनी क्षमता के बारे में पता चला कि मेरी कैपेबिलिटी ये है, ठीक है, तो चंपारण आंदोलन के अंदर में क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती कर वसूला जा रहा था, जबरदस्ती, ठीक है, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती के साथ क्या होता था कि एक बार अगर आप कोई भी किसान नील की खेती कर लिया तो उसके बाद जो उसका खेत जो होता था वो बंजर हो जाता था, उस पर कोई दूसरा खेती नहीं हो सकता था, ठीक, तो अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती, नील की खेती कराई जाने लगी, ठीक है। तो इसके विरोध में गांधी जी से किसानों के द्वारा मदद मांगा गया, ठीक है, एक किसी को पता चला किसान को कि भाई गांधी जी हैं, ऐसा करके वो आए विदेश से और वो गरीबों को लेकर आवाज़ उठाते हैं, गरीबों को लेकर बोलते हैं गांधी जी, भाई फिर उनको चंपारण लाया गया। चंपारण कहाँ पर है, बिहार के अंदर में, ठीक है, जहाँ पर पहला आज़ादी का स्वरूप रखा गया, ठीक है, वहीं से गांधी जी को अपनी पावर पता चलती है, लोगों को अपनी पावर पता चलती है कि उसके अंदर में इस तरह की पावर है और वो लड़ सकते हैं इनसे। गांधी जी आते हैं, आने के बाद लोग किसानों को बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें लोगों को पावर को समझना है कि हमारा है क्या। फिर वो अंग्रेज़ों के सामने, जब गांधी जी अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक देते हैं, ठीक है, उन सबको बंदी बनाया जाता है, गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, ठीक है, और उस सब के बाद में जब लोगों का जो समर्थन होता है, अपार समर्थन गांधी जी के लिए जब आता है ना, तब गांधी जी को समझ में आता है कि भैया मेरा समर्थन इतना ज़्यादा लोग कर रहे हैं, मतलब क्या पावर है मेरी, ठीक है, ये समझ में आ जाता है गांधी जी को, ठीक है। तो ये किसानों का आंदोलन था और किसान इस आंदोलन के बाद से किसानों के अंदर में भी खुलता दिमाग, भैया मेरे पावर कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ, वो यहाँ से चलता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में किसानों की भूमिका मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा आता है 11वां टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है क्या, ठीक है। अगर मैं राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत की बात करूँ तो भारतीय राष्ट्र का निर्माण, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन की अगर मैं विरासत की बात करता हूँ, विरासत क्या, मुख्य विरासत की शक्तियाँ और कमजोरी की बात करूँ, तो भारतीय राष्ट्र का निर्माण, ठीक है, भारतीय राष्ट्र का निर्माण ये विरासत के तौर पर देखते हैं। राजनीति में जन भागीदारी, हर लोगों की भागीदारी हो, ये हम राष्ट्रीय निर्माण के तौर पर देखते हैं, विरासत के तौर पर देखते हैं। नागरिक अधिकारों का प्रोत्साहन, जो नागरिकों को अधिकार मिल रहा है उसका मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, वो हम देखते हैं। आधुनिक विज्ञान और तकनीक आधारित आर्थिक विकास, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र विदेशी नीति, ठीक है, ये सारा कुछ राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के तौर पर, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के खत्म होने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें विरासत के रूप में मिली, जो हमारे दादा परदादाओं से मिलती है ना, विरासत के रूप में हमें क्या चीज़ें मिली वो मैं यहाँ पे बताया आपको, क्या क्या, तो भारत राष्ट्र का निर्माण, भारतीय राष्ट्र का निर्माण, राजनीतिक में जनभागीदारी, ठीक है, नागरिक अधिकारों का प्रोत्साहन, आधुनिक विज्ञान और तकनीक के ऊपर आधारित आर्थिक विकास, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्र विदेश नीति, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम चीज़ों को देखते हैं। अगर कमजोरी और सीमाएं इसकी बात करूँ मैं तो यहाँ पे आता है ऊंच नीच की भावना खत्म होती है भाई। सबसे पहले यहाँ पे जो ऊंच नीच की भावना थी वो खत्म होती है, समानता फैलाई जाती है, सबको मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं, सबके पास अपना एक मतलब धर्म मानने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, ठीक है। जातीय पूर्वाग्रह जो लोगों के अंदर में जातियों को लेकर थी ना कि इस तरह से ये जाति है, इस तरह से चीज़ें, वो तरह एक तरह से पूर्वाग्रह टूटता है, जो मिथ्य था ना लोगों के अंदर में, वो धीरे धीरे खत्म होते चला जाता है, यहाँ पे ये चीज़ें हम देखते हैं। साथ साथ में मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे विखंडनकारी ताकतों से निपटने के ऊपर, मतलब विखंडन जो कारी ताकत है जो भारत को तोड़ रहे थे वो असफल होते हुए दिखते हैं, ये यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 11वां टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं 12वां, भारतीय संविधान का निर्माण, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, हमारे भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करते हैं, टॉपिक नंबर 12, ठीक है। अगर मैं टॉपिक नंबर 12 की बात करूँ कि 12 नंबर टॉपिक भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो भारत की जो संविधान है सबसे बड़ी लिखित संविधान के तौर पर जाना जाता है, सबसे बड़ा लिखित संविधान के तौर पर, ठीक है, और इसकी ही अपनी कुछ वैल्यू है दोस्तों, कुछ अपनी ही डिग्निटी है। 1 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रफ करता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए और आप उसको कर पाओ। देखो दोस्तों अगर थोड़ा सा हम फटाफट करते हैं, 1 दिसंबर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो 1 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा का उद्घाटन किया जाता है कि भैया संविधान बनना यहाँ से चालू हो जाता है, जिसके अंदर में टोटल 296 मेंबर का जगह होता है, जिसमें से 207 लोग ही जब शामिल होते हैं, जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य होते हैं वो उसका बहिष्कार कर देते हैं कि भैया हम उसको बहिष्कार करते हैं, हम शामिल नहीं होंगे, हम कानून नहीं बनाएंगे। रीज़न क्या है, हमें चाहिए एक अलग राष्ट्र, हम मुस्लिम लीग की मांग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अस्थाई सदस्य के तौर पर, ठीक है, अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनते हैं, अनपरमानेंट मेंबर बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 दिसंबर 1946 को स्थाई अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रस्ताव पारित किया जाता है कि किस तरह से चुनाव होगा, और 10 दिसंबर को चुनाव के लिए पारित किया जाता है, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष के तौर पे चुना जाता है संविधान सभा का। ठीक है, यहाँ से ये बन जाता है। उसके द्वारा उसके बाद कई सारी समितियाँ बनती हैं। ठीक है, कई तरह की समितियाँ बनती हैं, जैसे संघीय समिति बनती है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्लस में और 9 मेंबर थे। ठीक है, अधिकार और अल्पसंख्यक मंत्रालय या फिर समिति बनती है, उसके अध्यक्ष के तौर पर सरदार पटेल को माना जाता है और उसमें 54 मेंबर उनके साथ में और थे। संचालन समिति बनती है जो संविधान सभा को संचालन के तौर पर संचालन करती है, जिसके जो मुख्य अध्यक्ष थे के एम मुंशी थे और प्लस में 3 मेंबर और थे उनके साथ में जुड़े हुए। प्रांतीय सभा संविधान सभा बनता है, ठीक है, जहाँ से जन जन, मतलब ये कोशिश की जा रही थी कि हर लोगों को जोड़ा जाए। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान सभा के अंदर में सरदार पटेल और 25 मेंबर और होते हैं। ठीक है, संघीय संविधान समिति बनती है जिसके अध्यक्ष के तौर पर जवाहरलाल नेहरू और प्लस में 15 मेंबर होते हैं। तो इन सभी समितियों के थ्रू जोड़कर अलग अलग जगह से अलग अलग मुद्दों को उठाया गया और अलग अलग मुद्दों को कवर किया गया संविधान के अंदर में, जिसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण होता है। और ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा आता है टॉपिक नंबर 13। ठीक है, महिलाओं के सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक मतलब जीवन के अंदर में किस तरह से जो गांधीवादी आंदोलन ने किस तरह से रोल प्ले किया महिलाओं के सार्वजनिक जीवन के अंदर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों महिलाओं के सार्वजनिक जीवन और गांधीवादी आंदोलन के बारे में, तो किस प्रकार से महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में गांधीवादी आंदोलन हुआ। तो ये माना जाता था दोस्तों हमारे भारत के अंदर में कि यार महिलाएँ हैं वो कुछ नहीं कर सकती। आज भी भारत के बहुत सारे घरों के अंदर में ये मेंटेलिटी है, ठीक है, कि महिलाएं हैं वो कुछ नहीं कर सकती। पर गांधी जी ने देखा कि हमारे आंदोलन, गांधी जी के जो भी आंदोलन हो रहे थे उसका स्वरूप क्या था, अहिंसक था, और पुरुष ज़्यादा देर तक अहिंसक रह नहीं सकता था। ठीक है, उतना ज़्यादा सहन शक्ति, पेशेंस नहीं था। ठीक है, महिलाओं के अंदर में बहुत ज़्यादा पेशेंस था, तो इस चीज़ का गांधी जी ने फ़ायदा उठाया और गांधी जी ने महिलाओं को अपने आंदोलन के अंदर में शामिल किया। ठीक है, यहाँ पे 20वीं शताब्दी के अंदर में अनेक महिलाओं संगठनों का निर्माण हुआ, जिसकी शुरुआत महिलाओं संगठनों के निर्माण से होता है। कौन कौन से महिला संगठन निर्माण हुआ, तो भारत महिला, महिला सभा, प्रयाग महिला समिति, ऐसे करके कई सारे महिला समितियों का निर्माण हुआ, संगठनों का निर्माण हुआ, जिसके अंदर में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा था। ठीक है, सुचिता कृपलानी कई सारे आंदोलन के अंदर में पार्टिसिपेट कर रही थी और वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पर महिलाओं के लिए बनती है। ठीक है, उसके बाद में एक बी अम्मन करके एक महिला होती हैं, 1920-1922 के करीब में वो आती हैं। ठीक है, और वो भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में पार्टिसिपेट करती है। बी अम्मन की एज ऑलमोस्ट 60 साल थी। ठीक है, और इनके राजनीतिक में आने का रीज़न क्या होता है कि इनके जो दो बच्चे होते हैं मौलाना अली और शौकत अली, उनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा कैद जेल में डाल दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने बच्चों के लिए राजनीति में आते हैं। उनकी एज 60 साल होती है और वो बहुत सारे महिलाओं को मोटिवेट करती है राजनीति में आने के लिए। इन्होंने मेनली किस चीज़ों पर आवाज़ उठाया, तो पर्दा प्रथा पे, जो घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा थी उसके ऊपर मैं आवाज़ उठाया। पुरुषों के लिए राजनीति जो थी वो, मतलब किस तरह से पुरुषों के लिए राजनीति का केंद्र बन रखी थी, उसके ऊपर आवाज़ उठाया। ठीक है, इन्होंने 60 साल की एज में राजनीति के अंदर में भाग लिया। ठीक है, और अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि अलग अलग अधिवेशन जो चलाए जा रहे थे सरकार के द्वारा, उसके अंदर में भी महिलाओं के द्वारा पार्टिसिपेशन किया जाने लगा। ठीक है, गांधी जी के सहयोग आंदोलन के अंदर में बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भाग लिया। जब उनके पतियों को जेल में डाल दिया गया, तो घर में रहने वाली महिलाओं ने बाहर आकर अपने पतियों की अपने पतियों को बचाने के लिए या फिर अपने पतियों के लिए उन आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आंदोलनों को आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के जीवन में गांधीवादी आंदोलन का स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है। अगला टॉपिक आता है दोस्तों हमारा 14 नंबर टॉपिक, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में बात करूं तो यहां पर हमारा जो देखने के लिए मिल जाता है भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण में, मार्क्सवादी जो विद्वान थे वो आर्थिक
राष्ट्रवाद के आर्थिक और वर्गीय विभेद के ऊपर में ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो राष्ट्रवाद का आर्थिक वर्गीय विभेद है उसके ऊपर वो पूरा फोकस करते हैं। उपनिवेशिक परिपेक्ष्य की वो आलोचना करते हैं, मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण के इतिहास जो विचारक रहे वो सारे। भारत से हमेशा से एक राष्ट्र नहीं था ये वो मानकर चलते हैं, ठीक है, बल्कि एक ऐसा रास्ता जो आधुनिक समय में बना वो मार्क्सवादियों का मानना था कि भारत एक ऐसा रास्ता जो आधुनिक समय में बना है, ठीक है, वो ये मानकर चलते थे। साथ साथ में सामंतवाद का पतन, बुर्जुआ वर्ग का आरंभ और भारत का पूंजीवाद के ऊपर, मतलब भारत के अंदर में पूंजीवाद का असर, ये MN एक मार्क्सवादी विद्वान ये मानकर चलते थे कि भारत के अंदर में क्या हुआ, पूंजीवाद का असर हो रहा है, ठीक है, अग्रसर हो रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है पूंजीवाद भारत के अंदर में, ये मान के चला BN राय, मार्क्सवादी विद्वान थे वो, ठीक है। साथ साथ में वो सामंतवाद का पतन हो रहा है वो इन्होंने माना, और बुर्जुआ वर्ग जो मतलब जो नया वर्ग था, युवा वर्ग था, उसका आरंभ हो चुका है, ठीक है, वो नया वर्ग उभर कर सामने आ रहा है, नए आंदोलन हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने MN राय ने अपनी विचार रखी, ठीक है। साथ साथ में उन्होंने ये बोला कि भारत का जो चरित्र है राष्ट्रवाद का या जो भी चरित्र है उसका मेन सोर्स देखते हैं 1857 से, 1857 के बाद लोगों के अंदर में एक जोश आता है और वहाँ से परिवर्तन शुरू होता है और लोग के अंदर में हिंसा चीज़ें लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रप्रेम को लेकर चीज़ें जगती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा को बताते हैं। यहाँ पे और भी अलग अलग विचारक आते हैं, जहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जो राष्ट्रीय भूमिका अपनाना, ठीक है, कांग्रेस के स्वरूप में परिवर्तन होना, कांग्रेस का क्रांतिकारी होना, वो सारा चीज़ें यहाँ पे दर्शाते हैं। औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ जन आंदोलन, मतलब जो औपनिवेशिक सत्ता था उसका ताकत था उसके खिलाफ में जन आंदोलन का इकट्ठा होना, ठीक है, लोगों के अंदर में आक्रोश फैलना, जनता के अंदर में असंतोष की भावना आना, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो धन निकासी जैसी चीज़ें थी, जो धन को ले जाना, उसको देख कर लोगों को अपने जागरूक होना, ठीक है, सारी चीज़ें क्या कर रही थी, भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ा रही थी, और ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंदर में बताया गया। दोस्तों AR देसाई 1948 के अंदर में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के एक विचारक के तौर पे आते हैं, जो आधुनिक अंग्रेजी प्रणाली शिक्षित बुद्धिजीवियों के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है, वो नए बुर्जुआ के हितेशी प्रतिनिधि के तौर पे देखे गए, हितों के प्रतिनिधि के तौर पे जाने गए। राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक विकृत के तौर पर उन्होंने दिखाया कि क्या समाज के अंदर में कमियां हैं, वो उन्होंने दिखाया बताया, ठीक है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन तक समाप्त हुआ, मतलब किस तरीके से पूरा प्रोसेस चला, क्या कार्यकाल क्या क्या हुआ, रॉयलेट एक्ट से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो और करो या मरो जैसे नारों पे हमारा भारत स्वतंत्र होते हुए वहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, समझ में आता है। इस तरीके से ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। लास्ट टॉपिक है औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध गांधीवादी रणनीति, ठीक है। औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध गांधीवादी रणनीति क्या थी, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पे कहा जाता है कि गांधीवादी रणनीति दीर्घकालीन रणनीति थी, ठीक है। कई सारे जो राष्ट्रवादी नेता थे वो गांधीवादी रणनीति को समर्थन नहीं देते थे, क्योंकि गांधीवादी रणनीति क्या था भैया, कि हमें लड़ना नहीं है, हमें मारना नहीं, कुछ नहीं करना, हमें इंतजार करना है, असहयोग आंदोलन करेंगे हम, उसका विरोध करेंगे। और लोगों का ये मानना था, इतिहासकारों का ये मानना था, ये भैया लॉन्ग टाइम पीरियड सॉरी दोस्तों, ठीक है, गांधी जी का क्या मानना था कि ये जो पूरा चीज़ है वो लॉन्ग टाइम दीर्घकालीन समय के साथ में समाप्त होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, दीर्घकालिक रणनीति के तौर पे गांधी जी चल रहे थे। साथ साथ में उनकी जो रणनीति थी वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध अचानक से हटा देने वाली रणनीति नहीं थी, वो धीरे धीरे जड़ से मिटाने वाली रणनीति थी गांधी जी की। गांधी जी का क्या मानना था कि पहले प्रतिपक्ष का हमें स्वभाव जानने की जरूरत है, कि उसका स्वभाव क्या है, उसके बाद हमें एक्शन लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने उसके प्रति एक्शन ले लो, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, तो पहले अंग्रेजों को जानो समझो फिर उसके बाद एक्शन लो, और गांधी जी इसको फोकस कर रहे थे। संवैधानिक गतिविधियों के जरिए विधायक निकायों में पहुंचा जाना, पहले गांधी जी ने बोला कि उनके सिस्टम के अंदर में जाओ, उनके सिस्टम को समझो, उनको समझो, सिस्टम के अंदर में पार्टिसिपेट करो, उसके बाद वो धीरे धीरे समय के साथ में हम उनको हरा सकते हैं, गांधीवादी रणनीति का ये मानना था। वो केंद्रीय तत्व, इनके पूरी राजनीति का केंद्रीय तत्व क्या था, अहिंसा था, ये मानकर चलते हैं। दोस्तों ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमने 15 टॉपिक किए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है और वीडियो वैल्यूबल लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप के जब जो भी आप जहाँ पे भी देख रहे हो, फ़ोन में, लैपटॉप में, कहीं पे भी देख रहे हो, तो सब्सक्राइब का बटन होता है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। एक सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन होता है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, छोटा सा अमाउंट पे के ज्वाइन कर सकते हो, उसके कुछ बेनिफिट होते हैं, आपको मिलेगा वो बाद में, ठीक है। और आप चाहो तो हमारे दी इन अप को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स पे भी कर सकते हो दोस्तों, आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होगा थैंक्स पे का, आप वहाँ पे थैंक्स पे भी कर सकते हो, जिससे हम मोटिवेट होते हैं और भी आपके लिए
वीडियो बना के लाएंगे, अच्छी वीडियो कर बना पाएंगे। ठीक है तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एक रिक्वेस्ट और है, अगर कुछ आपके तरफ से सजेशन हो हमारे चैनल के लिए, इस वीडियो के लिए, देन यू कैन कमेंट इट एंड वी विल वर्क ऑन दैट कमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।